मीडिया इन एजुकेशन बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सिक्स एजुकेशन के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन एक एक करके आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। आगे क्वेश्चन एंड आंसर समझने से पहले एक नजर आप अपने सिलेबस पर डाल लीजिए। ये देखिए, ये आपका सिलेबस है, ये हिंदी मीडियम में है और इस तरफ इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी चैप्टर्स इसी पे बेस्ड है कि आपको डिजिटल मीडिया में क्या क्या पढ़ना है और डिजिटल मीडिया आज हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल है। ये पूरा सिलेबस इसी के ऊपर है। आखिर मीडिया का क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन में, तो इस पूरे सिलेबस में से मैं एक एक क्वेश्चन लूंगा और आपको समझा दूंगा विद आंसर के साथ, ताकि आपका सिलेबस भी पूरा हो जाए और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। इससे पहले लास्ट ईयर मैंने ये वाली वीडियो अपलोड कर रखी है, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मैंने समझाया है वो मैंने इस वाले वीडियो में नहीं समझाया, ताकि दोनों वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा सिलेबस कवर अप हो जाए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक गतिविधियों के लिए डिजिटल मीडिया के प्रकारों और उपयोगों पर विस्तार से चर्चा करें। इस क्वेश्चन में दो चीज पूछा गया है, यानी कि डिस्कस इन डिटेल द टाइप्स एंड यूजेस। आपसे टाइप्स पूछा गया है और यूजेस पूछा गया है, किस चीज के, डिजिटल मीडिया के। किस चीज में, एजुकेशनल एक्टिविटीज में। आपको बताना है कि एजुकेशनल एक्टिविटीज में डिजिटल मीडिया का क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से टूल्स हैं, कैसे इनका हम यूज कर सकते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। यही चीज आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया और आपका पूरा सिलेबस इसी पे आधारित है। तो पहले तो आपको इंट्रोडक्शन में यही लिखना होगा कि डिजिटल मीडिया का मतलब क्या होता है। देखिए, डिजिटल का मतलब होता है कोई ऐसा काम जो इंटरनेट के द्वारा किया जा रहा हो। अब चाहे बुक्स की रीडिंग की जा रही हो, वीडियो को देखा जा रहा हो, न्यूज़पेपर को पढ़ा जा रहा हो, ऑडियो सुना जा रहा हो, चाहे जो भी काम किया जा रहा हो वो इंटरनेट का यूज करते हुए किया जा रहा हो, उसी को डिजिटल मीडिया के नाम से जाना जाता है। आज से कुछ सालों पहले तक जब इंटरनेट का इतना चलन नहीं था, और आज तो इंटरनेट बहुत सस्ती हो गई है, और जब इंटरनेट इतना था ही नहीं तो उस टाइम पे लोग प्रिंट मीडिया पे डिपेंड थे और एजुकेशन भी डिजिटल नहीं हुआ था। लेकिन आज ये सब कुछ पॉसिबल है सिर्फ इंटरनेट की वजह से, क्योंकि इंटरनेट भारत में दुनिया में सबसे सस्ती है। तो अब हम आगे समझते हैं कि डिजिटल मीडिया का क्या इंपॉर्टेंस और यूजेस है और कितने टाइप्स के हैं। देखिए, शिक्षा में डिजिटल मीडिया का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये आप खुद देखिए, आज इंटरनेट के द्वारा आपकी कितनी हेल्प हो रही है। एक भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता, आप गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करके उसका आंसर आप चुटकी में निकाल लेते। क्या ऐसा पहले हो सकता था? बिल्कुल भी नहीं, बट ये आज पॉसिबल है। शिक्षा के पारंपरिक रूपों को आज पीछे छोड़ दिया गया है। ट्रेडिशनल मेथड क्या था? पेड़ के नीचे पढ़ाई करना, स्कूल्स के अंदर टीचर आते थे, वही ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाई करते थे। आज का मेथड डिजिटल बोर्ड का है, बोर्ड भी डिजिटल है, पढ़ाई भी डिजिटल है, क्योंकि आज मॉडर्नाइजेशन हो गया है। और ऐसा नहीं है कि इसकी शुरुआत रातों रात हो गई है। आप जरा देखोगे तो 1991 में जब भारत ने एलपीजी को अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जब हमने अपने दरवाजों को खोल दिया दुनिया के तमाम देशों के लिए, तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो टेक्नोलॉजी है इसका दौर बढ़ता चला गया। और कंप्यूटर के रेवोल्यूशन के बाद भारत के अंदर डिजिटलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी, और इसके अंदर ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा रोल है। आज इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश के अंदर जाती है और इस देश से किसी और देश के अंदर जाती है। इसलिए दुनिया के आज सभी देश एक दूसरे से कनेक्टेड है। पूरी दुनिया को आज एक वर्ल्ड विलेज कहा जाता है, एक गांव कहा जाता है, क्योंकि घर बैठे आप दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी निकाल सकते हो। और ये सब कुछ हो पाया है क्योंकि हमने ट्रेडिशनल मेथड को छोड़कर आज इस मॉडर्नाइजेशन को अपना लिया है। आज के इस टाइम पे डिजिटल एप्लीकेशन बन चुकी है और इस एप्लीकेशन का आज हम यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के द्वारा। कई सारी ऐसी सॉफ्टवेयर है जिनका आज डिजिटल मीडिया में यूज किया जाता है, और इनका यूज आप अपने डिवाइसेस में यूज कर सकते हो, चाहे कंप्यूटर में, लैपटॉप में, पैड्स में, आप कहीं भी यूज कर सकते हो। और सोशल प्लेटफॉर्म आज ऐसे हैं जहाँ पे आप अपने वीडियोस को, मैसेज को शेयर कर सकते हो। और जिस टाइम पे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, उस टाइम पे चिट्ठी लिखकर भेजा जाता था, जो पहुंचने में ही हफ्ते हफ्ते भर लग जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे डिजिटल मीडिया में सोशल मीडिया ने आज एक रेवोल्यूशन ला दी है। एंड ऐसे कई सारे सोशल साइट्स हैं जिनका एजुकेशन में काफी यूज किया जाता है, जैसे ईमेल का। ईमेल पे आप किसी को प्रोजेक्ट सेंड कर सकते हो, ईमेल से आप किसी को पीपीटी सेंड कर सकते हो, कई सारी चीजें सेंड की जा सकती है, संदेश, मैसेज से आप जानकारी ले सकते हो, वीडियो के थ्रू आप चीजों को पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, मैसेज को पहुंचा सकते हो। यही सेम काम आप ऑडियो के थ्रू भी कर सकते हो, वेबसाइट के थ्रू आप किसी आर्टिकल्स को रीड कर सकते हो जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। चैट जीपीटी जैसे आज एआई टूल्स आ चुके हैं जो आपकी हर एक क्वेश्चन का आंसर अपने पास रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये और डेवलप हो रहा है, वो इंसानों की हेल्प ही कर रहा है ये। और आने वाले टाइम में एआई और ज्यादा एडवांस होने वाला है। और कुछ लोग आपको यही कहते हुए मिलेंगे कि एआई आने वाला है, एआई के आ जाने से लोगों की जॉब चली जाएगी। देखिए, एआई जॉब छीनने के लिए नहीं आ रहा, ये एआई जो है ये इंसानों की मदद करने के लिए आ रहे हैं। आप खुद सोचो कि बिना इंसानों के एआई को यूज कौन करेगा।
इसीलिए इंसानों की हेल्प करने ही आ रहा है, ये किसी को रिप्लेस करने नहीं आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ ये चीज़ जरूर है कि जो टाइम के साथ अपने आपको स्किल अप कर लेंगे, वो स्किल ले लेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, और आज के इस डिजिटल टाइम के अंदर ये बहुत ज़रूरी भी है। आप फोटो शेयर कर सकते हो, स्लाइड शो बना सकते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो कि PPT के नाम से फेमस है, यहाँ पे आप जो इमेज देख रहे हो ये PPT पे बनाई गई है, ये चीज़ों को आसान बनाने के लिए बनाया जाता है। एंड इसके बाद डिजिटल मीडिया, देखिए डिजिटल मीडिया का अर्थ क्या है ये आपको समझना होगा। तो इस प्रकार जो डिजिटल मीडिया है इसका सिंपल मतलब हुआ इंटरनेट पे जो जो चीज़ अवेलेबल है उन सभी को मिलाकर एक डिजिटल मीडिया बनता है। डिजिटल मतलब ऑनलाइन, मीडिया मतलब प्लेटफॉर्म, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाता है जो आपको डिजिटली हेल्प कर सके। अब चाहे वीडियो हो, ग्राफिक्स हो, ऑडियो हो, बुक्स हो, या मैसेज को सेंड करना हो, ये सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाती है। जैसे ऑडियो वीडियो हो गया एंड इमेज और ग्राफिक्स हो गए। ग्राफिक्स का मतलब चीज़ों को डिजाइन कर देना। आप YouTube पे जो थंबनेल्स बना हुआ देखते हो ये ग्राफिक्स का एक पार्ट है। तो फोटोज को बनाना, क्रिएटिविटी दिखाना, ये सब ग्राफिक्स के थ्रू होता है ताकि चीज़ों को और आसान बनाया जा सके। एंड शिक्षा में डिजिटल मीडिया का क्या इंपॉर्टेंस है, आज के इस टाइम पे आप YouTube पे ये वीडियोस देख पा रहे हो तो क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि इस डिजिटल दौर के अंदर इंटरनेट का यूज़ बढ़ा है और इसी के साथ YouTube जैसे प्लेटफॉर्म ने वीडियो शेयरिंग का जो ऑप्शन दिया है इसने डिजिटल मीडिया के अंदर और ज़्यादा रेवोल्यूशन ला दी है। देखिए डिजिटल मीडिया का इंपॉर्टेंस इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो कोचिंग की महंगी महंगी फीस नहीं पे कर सकते, इसलिए वो YouTube और ऐसे ही कई सारे प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेते हैं ताकि वो फ्री एजुकेशन ले सके। और YouTube से पढ़ाई करके, थोड़ी सेल्फ स्टडी करके कई लोगों ने मेहनत से कई एग्जाम्स भी क्रैक किए हैं। तो डिजिटल मीडिया ने एजुकेशन में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला दिया है आज के इस टाइम में। YouTube के ही तरह कई सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो एजुकेशनल इंडस्ट्रीज में लोगों की हेल्प करती है। एंड शिक्षा में डिजिटल मीडिया के प्रकार और उपयोग, अब यहाँ पे आपको दो चीज़ बताने वाला हूँ मैं, डिजिटल मीडिया के कौन कौन से टाइप्स हैं और इनका क्या यूजेस है एजुकेशन में। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट आधारित डिजिटल मीडिया का, यानी कि टेक्स्ट बेस्ड डिजिटल मीडिया। आप मैसेज के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू आप अपने बात को शेयर कर सकते हो इस तरीके से। तो ये टेक्स्ट आधारित डिजिटल मीडिया है आज के इस टाइम पे। व्हाट्सएप इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है, कई आर्टिकल्स बातचीत करने के लिए, चीज़ों को सेकंडों में सेंड करने के लिए आज टेक्स्ट आधारित जो टूल्स है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एजुकेशन में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस भी है। एंड सेकेंड क्या है, ऑडियो आधारित डिजिटल मीडिया। आज इस टाइम पे ऑडियो आधारित भी कई सारे ऐसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हैं और कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको ऑडियो में एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है कि अगर आप देख नहीं सकते वीडियो को इस तरीके से, तो आप ट्रैवल करते हुए, बेड पे सोते हुए आप ईयरफोन लगाओ, ऑडियो को सुन लो। तो एजुकेशन के अंदर इसका भी काफी इंपॉर्टेंस बढ़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, वीडियो आधारित डिजिटल मीडिया। आज के इस दौर में वीडियो के द्वारा कई सारी क्लासेस ऑनलाइन तरीके से घर बैठे ली जा सकती है, जैसे आज आप इस क्लासेस को ले रहे हो तो ये वीडियो के द्वारा ही हो पा रहा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इमेज और ग्राफिक्स आधारित डिजिटल मीडिया। आपने कई सारे ऐसे वीडियोस देखी होगी जिसके अंदर सिर्फ इमेजेस होता है और एनिमेशन लगाकर आपको समझाया जाता है। एनिमेशन से चीज़ों को और आसानी से समझाया जा सकता है। आप जरा खुद सोचो, मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूँ, स्कूल्स में ऐसा क्या हुआ करता था कि लोग जाना चाहते ही नहीं थे। स्कूल्स तो ऐसा होना चाहिए कि लोग जल्दी सुबह उठे, स्कूल जाने के लिए उतावले हो जाए, भाई मुझे स्कूल जाना है, भाई मुझे मजा आएगा, लेकिन स्कूल में ऐसा था ही नहीं। ऐसा क्यों, कई स्कूल्स के अंदर स्टडी का मेथड ही काफ़ी बोरिंग हुआ करता था, वो स्टडी को इतना इंटरेस्टिंग नहीं बना पाए जिससे कि बच्चा टिक भी पाए। कोई भी बच्चा आपको सुनेगा तभी जब उसको इंटरेस्ट आ रहा है। अब यही इंटरेस्ट स्कूल वाले पैदा नहीं कर पाते, जिस वजह से ट्रेडिशनल मेथड आज बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया है। आज के इस टाइम पे इमेजेस और एनिमेशन के द्वारा घंटों भर का कंटेंट आपको चुटकी में समझाया जा सकता है और आप बोर भी नहीं होंगे, और इसी का फायदा आज एजुकेशन में हो रहा है। तो डिजिटल मीडिया ने आज एजुकेशन में इस तरीके से भी हेल्प करी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरेक्टिव डिजिटल मीडिया। ऐसे कई सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे एक दूसरे से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, वीडियोज को देख सकते हैं, चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, और इसमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, ऐसे और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ एजुकेशन में भी किया जा सकता है। बट अलग अलग लोगों पर डिपेंड करता है कि वो इनका यूज़ कैसे कर रहे हैं, क्योंकि यूज़ से ज़्यादा इनका आज मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ये टाइम बहुत कंज्यूमिंग होते हैं। आज मोस्टली लोग यही करते हैं कि थोड़ी देर खाली भी बैठेंगे तो फ़ोन उठा के रील्स देखने लग जाएंगे, इसी में तो उनका पूरा दिन निकल जाता है। इसलिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बनाया इस तरीके से गया है, इनका डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है जो आपका ध्यान ले, आपका ध्यान और भटका भी दे। इसलिए आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा जब आप इन डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे होंगे। आपको मिनट नहीं लगेगा, आप इस टैब को स्विच करोगे और नेक्स्ट पे पहुंच जाओगे जहां आपको मजा आता होगा। इसलिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इन प्लेटफॉर्म्स पर वीडियोस, मैसेज या कोई भी संदेश शेयर किया जा सकता है और एजुकेशन में इनका यूज़ किया जा सकता है। लेकिन रील्स ने क्या कर दिया है, आप मिनट नहीं लगाते वीडियो को जाँच करने में
या परखने में कि ये मेरे लिए सही है या नहीं। अगर आप रील्स देख रहे होगे तो यूं देखोगे, पसंद आया, अरे ये मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, नेक्स्ट नेक्स्ट, क्योंकि सेकंड नहीं लगता ये डिसाइड करने में कि ये सही है या नहीं। इसलिए आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस का रिटेंशन लिया जाता है, और इसलिए इन सब चीज़ों का फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS कहा जाता है इसको। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अगर कोई स्कूल है या कोचिंग है या जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आके एक जगह पे बैठ के पढ़ते हैं, तो उनका डेटा मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट्स आ रहा है, उनका नाम क्या है, उसने अगर कोई टेस्ट दिया है तो रिजल्ट में कितने मार्क्स आए हैं, उनका पूरा रिपोर्ट कार्ड जो तैयार करने का पूरा सिस्टम होता है उसको कहा जाता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है, और इस सॉफ्टवेयर में सभी स्टूडेंट्स का डाटा रखा होता है ताकि चीजों को मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा में मीडिया के डिजिटल टूल्स। शिक्षा में मीडिया के ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जो एजुकेशन पर्पज से यूज किए जा सकते हैं, अब आपको उन सारे टूल्स के नाम बताता हूं मैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जब वीडियो कॉल के थ्रू किसी से इंटरेक्ट किया जाए, बातचीत किया जाए, या आप उनको सेशन दे सकते हो, जैसे जूम मीटिंग हो गया, गूगल मीट पे हो गया, आप इस तरीके से उनसे बातचीत कर सकते हो। एजुकेशन पर्पज के अंदर आज इनका बहुत यूज किया जाता है। पोस्ट कोविड या कोविड के दौरान इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जब लोग स्कूल नहीं जा सकते थे तो उस टाइम पे टीचर्स भी जूम पे, गूगल मीट पे कनेक्ट करके स्टूडेंट्स को क्लासेस दिया करते थे। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉडकास्ट। आज के इस दौर के अंदर पॉडकास्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पॉडकास्ट में क्या होता है कि एक पॉडकास्टर होता है जो पॉडकास्ट ले रहा है, और एक गेस्ट होता है जिसको पॉडकास्ट में बुलाया गया है। अब दोनों में क्या होता है कि रो बात होती है, यानी कि दोनों में बातचीत होती है, कॉन्वर्सेशन होता है, और इसी कॉन्वर्सेशन को पॉडकास्ट कहा जाता है। हर एक मुद्दे पे बात की जाती है, डीपली बात की जाती है, और इस डिस्कशन के बाद उसमें से कई सारे एजुकेशनल कंटेंट भी निकाला जाता है। और आज के इस टाइम में आपने कई सारे पॉडकास्ट चैनल भी देखा होगा, पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आप यूट्यूब पे भी कई सारे फेमस पॉडकास्टर को देख सकते हो। यूट्यूब पे आप किस पॉडकास्ट चैनल को देखते हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका कौन फेवरेट पॉडकास्टर है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है रेडियो। देखिए रेडियो से जो नेशनल न्यूज है वो लिया जा सकता है, कई सारे एजुकेशनल कंटेंट है जो रेडियो से मिलती है। आज जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, उनको ये सही से पता होगा कि रेडियो पे जो आकाशवाणी के अंदर जो न्यूज़ वगैरह आता है, जो शाम को आता है, वो हर लोग देखते हैं ताकि वो अपडेट रहे और करंट अफेयर उनको मिलता रहे। तो रेडियो का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है एजुकेशन में। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संदेश मैसेज। देखिए आज के इस टाइम में चाहे वो व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, इनका भी इंपॉर्टेंस काफ़ी है आज इस एजुकेशन दौर में, क्योंकि आज व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाकर एक ही साथ हजारों लोगों तक कंटेंट को शेयर किया जा सकता है। तो ये सब कुछ इसलिए हो पाता है क्योंकि हम मैसेज को सेंड कर सकते हैं। एक जब दौर था जब ये सब कुछ नहीं किया जा सकता था, सोचिए उस टाइम पे लोग कैसे टॉपर्स बना करते थे, कैसे सत्येंद्र नाथ जी उस टाइम पे टॉपर बने थे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, एंड कैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन निकाल दिया था अंग्रेजों के टाइम पे, जिस टाइम पे ये सब कुछ तो था ही नहीं। तो आज रिसोर्सेज ज़्यादा है, इंटरनेट पे भरमार है रिसोर्सेज का, बस उनका सही से यूज़ करना है, क्योंकि इतना सब कुछ नहीं पढ़ना होता, इतना ही पढ़ना होता है आगे जाने के लिए, और भटकना नहीं होता, ये ध्यान रखना है। लेकिन सोशल मीडिया पर आज यही हो रहा है, ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, अरे ये भी पढ़ लूँगी, अरे ये भी पढ़ लेता हूँ, अरे ये ना छूट जाए, और इन सब के चक्कर में कुछ नहीं कर पाते, इनका ध्यान रखना होगा आपको। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गूगल स्लाइड्स। गूगल स्लाइड्स में क्या होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, प्रेजेंटेशन है, या आपको समझना है, समझाना है, तो आप उनको गूगल स्लाइड्स पर डाल सकते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर डाल सकते हो, उसको PPT कहा जाता है। तो इनका आज बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एजुकेशनल वर्ल्ड के अंदर। आप किसी भी टीचर्स को देख लो जो आपको पढ़ा रहा होगा, वो पहले उसने PPT बनाई होगी। आप मुझे ही देख लो, मैं जितने भी क्लासेस लेता हूँ उससे पहले प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, PPT को डिज़ाइन किया जाता है, उसके बाद क्लासेस आप तक पहुँचाई जाती है। तो अगर PPT ना हो तो किसी को समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए PPT के द्वारा समझाना चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो एजुकेशन का ये बहुत अच्छा टूल है जो यूज़ किया जाता है कई सारे टीचर्स के द्वारा। एंड नेक्स्ट है गूगल फॉर्म। अब गूगल फॉर्म भी गूगल का है। अब इससे क्या होता है कि आप किसी से भी कोई फॉर्म भरवा सकते हो, चाहे कंप्लेन के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, या कोई भी एडमिशन का फॉर्म भरवाना हो, आप जो मन चाहे फॉर्म भरवा सकते हो, और ये बिल्कुल फ्री टूल्स है जिनके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। आप जो चाहे जैसे चाहे फॉर्म बनाकर फिल करवा सकते हो अपने स्टूडेंट से। कई सारे स्कूल्स कॉलेज के अंदर इसका यूज किया जाता है, हम खुद इसका यूज करते हैं अपने स्टूडेंट से फीडबैक लेने के लिए। बाकी आप सभी फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना ये वीडियो कैसी लग रही है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्री प्लेटफॉर्म में आप किसी भी फाइल को, अपने मटेरियल को गूगल ड्राइव में डाल सकते हो, वहाँ पे वो सेफ भी रहता है, प्लस गूगल ड्राइव आपको स्टोरेज देता है फ्री का यूज़ करने के लिए। तो गूगल ड्राइव भी बहुत अच्छा रिसोर्स है, आज एजुकेशन में इसका बहुत यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शिक्षा में डिजिटल मीडिया के लाभ। तो आपको बेनिफिट्स बताना है इस डिजिटल मीडिया के। देखिए ये सारा टॉपिक ऐसा है जो आज के इस दुनिया में आप सुनते हो, आए दिन समझते हो, खुद फील कर पाते हो, तो आंसर को बनाकर भी लिखा जा सकता है, ये बहुत आसान टॉपिक है। तो बेनिफिट्स का जो फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिंट संसाधनों का डिजिटलीकरण।
दैट मीन्स आज जितने भी प्रिंट मीडिया के रिसोर्सेज थे, मान लो लाइब्रेरी में कोई बुक्स रखी है, आपके घर में कोई बुक्स रखी है, कोने में कोई बुक पड़ी हुई है, आज उन सभी चीज़ों का डिजिटाइजेशन हो गया है। दैट मीन्स आज इंटरनेट पे, फ़ोन में, अपने गूगल पे या गूगल स्कॉलर में या अमेजोन किंडल में आप कई सारे बुक्स को पढ़ सकते हो, एक टाइम पे हजार बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिजिटल शिक्षण संसाधनों का निर्माण। आज एजुकेशन में कई सारे ऐसे एजुकेशनल डिजिटल टूल्स बने हैं जो एजुकेशन फील्ड में काफ़ी यूजफुल है। जैसे मुझे आपको अभी तक याद है कि हमें इस तरीके से ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाता था, टीचर्स आते थे और ब्लैक बोर्ड पर लिख के पढ़ाते थे। लेकिन आज का टाइम क्या है, क्या आज भी इस ब्लैक बोर्ड का टाइम है? आज कई सारे प्राइवेट स्कूल्स इस ब्लैक बोर्ड को रिप्लेस करके डिजिटल बोर्ड पे आ गए हैं। इस डिजिटल बोर्ड से पढ़ाना बहुत आसान हो गया क्योंकि चीज़ों को हम समझा सकते हैं, इसमें हम इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स को लगा सकते हैं, आपको चीज़ों को विजुअल्स में समझा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का यूज़ करने से पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो जाती है। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर इंटरेस्ट हो तो कोई भी बच्चा स्कूल जाने से मना नहीं करेगा। यही रीज़न है कि आप इस पूरे वीडियो को एंड तक देख रहे हो, क्योंकि आपको इंटरेस्ट आएगा जो भी आपको मैं समझा रहा हूँ। इसलिए आज कई गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं किया गया, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी इसको रिप्लेस करना चाहिए। प्राइवेट स्कूल तो कर ले रहे हैं क्योंकि मोटी फीस लेते हैं बच्चों से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाल केंद्रित संवादात्मक कक्षा है। आज ऐसे कई सारे बाल केंद्रित जो छोटे छोटे बच्चों के लिए सेंटर बने हुए हैं और उन सेंटर पे डिजिटल टूल्स का उपयोग करते हुए एजुकेशन दिया जा रहा है। कई सारे डिजिटल टूल्स बन चुके हैं ऐसे जो कि प्ले स्कूल्स के अंदर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमने भी एक अपना एक प्ले स्कूल ओपन किया है। इस प्ले स्कूल के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, नर्सरी, LKG, UKG, इन सभी स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उनको पढ़ाएंगे। यानी कि टेक्नोलॉजी सभी के लिए इनेबल किया जा रहा है और आज के इस दौर में बच्चों तक एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी पहुंच गए हैं। लेकिन जरा याद करो, जब हम बचपन में थे, क्या हमें ये सब टेक्नोलॉजी मिली? हम तो स्लेट लेकर आते थे, चौक से लिख लेते थे या जमीन पर लिख लेते थे, काम खत्म। गेट पर भी लिख लिया करते थे चौक से। लेकिन आज के बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे टाइम पर ये सब कुछ नहीं हुआ करता था, आज तो सब कुछ है। यानी कि हमारे बच्चों की मौज है, हमने तो अपना बचपन काट दिया। कोई बात नहीं, आने वाली पीढ़ी इसका फायदा उठाए। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्यापक बाहरी मार्गदर्शन और नेटवर्किंग की संभावना, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल गाइडेंस एंड नेटवर्किंग। आज इस एजुकेशन वर्ल्ड के अंदर जब सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो आज एक जगह पर बैठकर आप अपना लैपटॉप ओपन कीजिए और भारत से बाहर के देशों से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, वहाँ की नॉलेज आप भारत में ले सकते हो। स्विट्जरलैंड हो या इधर आपका सिंगापुर हो गया, इन सभी देशों के अंदर एजुकेशन इसलिए फेमस है क्योंकि डिजिटल एजुकेशन का काफी इंपॉर्टेंस है। इसलिए आप बाहरी देशों से भी कनेक्ट हो सकते हो इंटरनेट के द्वारा, आप देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है? तो ये आपको बताया जा रहा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नौकरी उन्मुख पाठ्यक्रमों का निर्माण। आज इस डिजिटल एजुकेशन में कई सारे ऐसे कोर्सेज का इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो आपको नौकरी पाने में हेल्प करेगा। जैसे कि आज जो ट्रेडिशनल मेथड था, आप स्कूल जाते थे अटेंडेंस पूरी करने के लिए, आप बुक स्कोर के पढ़ते थे, टेस्ट देने के लिए टेस्ट देते थे, 20 नंबर आ भी जाते थे, चीज़ों को आपने रट भी लिया, जैसे भी करके आप मार्क्स लेकर भी आ गए, पास हो गए, आपको मार्कशीट मिल भी गई, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको नौकरी भी मिल जाएगी। क्योंकि नौकरी मिलने के लिए जो चाहिए होता है वो स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, और जो स्कूल में पढ़ाया गया वो आगे काम नहीं आया। इसलिए आज के इस टाइम पे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ये सब चीज़ें तो पढ़ाई नहीं गया, लेकिन आज इन सब चीज़ों का दौर है। आज इस डिजिटल दौर के अंदर आप घर बैठे भी पैसा कमा सकते हो, बस थोड़ा सा नॉलेज आपको इस डिजिटल दुनिया की होनी चाहिए। अगर आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग आती है, वेबसाइट डिजाइनिंग आती है, तो ऐसे बहुत सारे काम है जो फ्रीलांसिंग वर्क आप घर बैठे कर सकते हो। इसलिए आज के इस टाइम पे वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है। और एक हमारा टाइम था जब 10th के बाद किसी से पूछते थे, हम क्या लिया भाई, मैंने तो वोकेशनल लिया है, तो हम इसको शक की निगाह से देखते थे, अच्छा बच्चा पढ़ने वाला नहीं है इसलिए इसने वोकेशनल लिया है। और आज के इस टाइम पे वोकेशनल का काफी इंपॉर्टेंस है, जिसमें आपको डेटा एंट्री ऑपरेशन या कंप्यूटर के नॉलेज हो गई, ग्राफिक्स की नॉलेज हो गई, या जो स्किल पे आधारित कोर्स है वो सब सिखाया जाता है, चाहे फैशन डिजाइनिंग हो गया, मेकअप के कोर्सेज होंगे, ड्रेसिंग के कोर्सेज हो गए, ये सारे कोर्सेज वोकेशनल कोर्सेज कहलाते हैं। और आज वोकेशनल कोर्सेज का इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो आपको नौकरी में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मुद्दे, चिंताएं और चुनौतियां, दैट मीन्स इशूज, कंसर्न्स एंड चैलेंजेस। आज के इस टाइम पे कई सारे चैलेंजेस भी हैं एजुकेशनल वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि मीडिया तो एजुकेशन में आ गया लेकिन साथ में चैलेंजेस भी लेकर आया है। क्या क्या चैलेंजेस हैं, देखिए, सीमित मोबाइल डेटा कनेक्टिविटी। आज भी गांव के दूर दराज में लोगों के पास अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जिसके वजह से वो इसका फायदा नहीं उठा पाते, एंड लोगों के पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं है। अब मान लो घर में एक ही फ़ोन है और पेरेंट्स अगर काम पे जा रहे हैं तो बच्चा फ़ोन से कैसे पढ़ेगा, फ़ोन तो उसके पास होता नहीं है, फिर वो पापा के आने का इंतजार करता है, ऐसा कई घरों के अंदर अभी भी होता है। एंड आज इंटरनेट पे पूरी तरीके से डिपेंड हो चुके हैं,
इंटरनेट में 3G हो गया, 4G हो गया, अब तो 5G आ गया है। लेकिन इसी के साथ भारत के अंदर जो इंटरनेट यूजर्स हैं ये भी बढ़े। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है इंटरनेट यूज में, यानी कि आज लोगों की डिपेंडेंसी इंटरनेट पे बढ़ गई है। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट वो क्या है, शैक्षिक सिद्धांतों से भटकाव। यानी कि आज इंटरनेट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मैंने आपको बताया था इनकी डिजाइनिंग इस तरीके से है, अगर आप पढ़ने बैठोगे तो मिनट नहीं लगेगा, आप टैब को स्विच करके आप उस जगह पे चले जाओगे, आपको लगता है थोड़ी देर ये देख लेता हूँ, अरे 5 मिनट देखूंगा रील्स, बस माइंड फ्रेश हो जाएगा, और वो 5 मिनट आधे घंटे हो जाएगा, आधे से फिर 1 घंटा हो जाएगा, फिर आप छोड़ दोगे, सोचोगे यार बाद में पढ़ लूंगा, फिर वो टाइम निकल जाएगा। आज भटकाव ज़्यादा होता है इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो एजुकेशन में इसकी सबसे बड़ी कमी है। नेक्स्ट क्या है, डिजिटल और ई लर्निंग कौशल में कम क्षमता। आज भी ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं जो डिजिटली इतने कैपेबल नहीं है, जो सही से रिसोर्सेज को यूज़ कर पाए, या डिजिटली इतने अवेयर नहीं है। मान लो कोई चीज़ जो मुझे नहीं आती है तो उसको मैं सीखूंगा, लेकिन लोग सीखना भी नहीं चाहते, इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक सीखोगे नहीं, लर्निंग बढ़ेगी नहीं, तो आपकी जो कैपेबिलिटी है काम करने की ये नहीं बढ़ेगा, इसलिए सीखना ज़रूरी है। अगर नहीं सीखोगे तो कोई काम नहीं कर पाओगे, और बिना सीखे कोई काम किया नहीं जा सकता, ये हम सबको पता है। खराब प्रणालीगत समर्थन, पुअर सिस्टम सपोर्ट। आज भी कई जगह पे क्लासरूम सही से नहीं बने पड़े, सही से टॉयलेट्स भी नहीं बने पड़े जहाँ पे बच्चे जा सके। और बात रही डिजिटल बोर्ड की, तो ये अभी बहुत दूर है वहाँ पे। तो भारत के अंदर भी ऐसे कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे डिजिटलाइजेशन होना अभी बाकी है, वो अभी इससे अधूरा रह गया है, क्योंकि खराब प्रणाली की वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया। पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ का ऐसा था जिसने एजुकेशन में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इस प्रकार कई सारे इसके चैलेंजेस भी हैं, बट इसके फायदे भी हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, लोकतंत्र के कार्य पद्धति में मीडिया की भूमिका की आलोचनात्मक चर्चा करें, यानी कि क्रिटिकली डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया इन द फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। आखिर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर मीडिया का क्या रोल होता है, आपको इस पूरे क्वेश्चन में यही बताना है। देखिए इंट्रोडक्शन में पहले तो ये बता दीजिए कि डेमोक्रेसी को रन करने के लिए आपको पता है कि 4 पिलर है मीडिया, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 3 पिलर्स हैं वो है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, जिसके अंदर देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति आते हैं। दूसरा है पार्लियामेंट यानी कि विधायिका, संसद जिसको कहा जाता है, जहाँ पे कार्यपालिका बैठकर कानून बनाती है। एंड थर्ड है न्यायपालिका यानी कि देश की जुडिशरी, जो कानून बनाया गया है संसद के द्वारा या उसकी जांच करती है, अगर कानून देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको खत्म कर देती है। तो इस प्रकार 3 पिलर है, सबसे पहला हो गया पार्लियामेंट, दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव और तीसरा हो गया जुडिशरी। और इन तीनों के बाद डेमोक्रेसी के 4th पिलर लोकतंत्र के अंदर मीडिया को माना गया है। आखिर मीडिया को क्यों माना गया है, ऐसा मीडिया क्या करती है? देखिए जनता और गवर्नमेंट, मान लो पीपल यानी कि लोग और गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच की जो कड़ी की भूमिका निभाती है, मीडिएटर की जो भूमिका निभाती है वो है मीडिया, क्योंकि मीडिया के द्वारा ही जनता की आवाज सरकार तक पहुंचती है। सरकार की जो बातें हैं, पॉलिसीज हैं, ये जनता तक पहुंचाने का काम मीडिया ही करती है। लेकिन मीडिया के भी कुछ अपने ही काम के तरीके हैं, जागरूकता भी फैलाती है, बट मीडिया के सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। अब वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं ये अभी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। तो जनता और सरकार के बीच जागरूकता बढ़ाने, जनमत यानी कि लोगों की आवाजों को आगे उठाने में, और कई चुनौतियां जो है जिसके वजह से मीडिया की आलोचनाएं भी की जाती है, कभी कभार गलत सूचनाओं को भी इस तरीके से फैलाया जाता है जिससे कि लोग गुमराह हो जाते हैं। तो ये आपको इंट्रोडक्शन में बताना है, यानी कि फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, हेल्प्स इन डायलॉग में, अवेयरनेस एंड पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन में, यानी कि लोगों की जो पब्लिक ओपिनियन है इसको फॉर्मेशन में, इसको बनाने में भी मीडिया का रोल होता है, क्योंकि सरकार का काम लोगों को पसंद आया या नहीं ये जनता से सीधे सवाल मीडिया ही पूछती है। नेक्स्ट क्या है, मीडिया से तात्पर्य यानी कि मीनिंग ऑफ मीडिया। अलग अलग साधन है मीडिया के, जैसे सूचना के साधन में समाचार पत्र हो गया, न्यूज़पेपर, मनोरंजन के साधन में कई टीवी चैनल्स हो गए, टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, मैगजीन्स हो गए। एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया। तो इंटरनेट के ऐसे कई सारे साधन है जिसके अंदर इंटरनेट का यूज करते हुए लोगों से राय ली जाती है, अब वो चाहे टेलीविजन हो या रेडियो हो, जो भी हो, बट इसमें इंटरनेट का कहीं ना कहीं यूज किया जाता है, इसलिए इनको सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये इसकी मीनिंग हो गई। एंड इसके बाद आपको बताना है कि लोकतंत्र के अंदर आखिर मीडिया की क्या भूमिका है, यानी कि रोल ऑफ मीडिया इन फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए आपको मैं वो सारे पॉइंट्स बता देता हूँ, बस आपको इन पॉइंट्स को याद रखना है। अगर आपने पॉइंट्स को याद रखा तो एग्जाम्स के अंदर आप आंसर बनाकर लिख कर आ जाओगे। देखिए समाचार और जानकारी प्रसार, यानी कि मीडिया काम होता है न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन का ब्रॉडकास्टिंग करना। देखिए मीडिया चैनल्स कहीं की भी न्यूज को लाइव टेलीकास्ट करके दिखाता है,
मान लो कोई ताजा खबर हो गया या कहीं पे कोई घटना घट गई है, उस न्यूज को मीडिया सबसे पहले कवरेज कर लोगों तक पहुंचा देता है। तो लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वहां पे जाना नहीं होता, वो सिर्फ मीडिया चैनल ऑन करता है और वहां की जानकारी ले लेता है जहां पे कोई घटना घटी है, और ये सिर्फ हो पाता है मीडिया की वजह से ही, क्योंकि ये चीज लाइव टेलीकास्ट कर दी जाती है। एंड नेक्स्ट क्या है, विचार विमर्श की स्थापना, यानी कि सेटिंग अप डिस्कशन। मीडिया आपस में डिबेट करवाता है, डिबेट का माहौल बनवाता है, एक दूसरे की विचारधाराओं के बीच में आपस में इस तरीके से डिबेट करवाया जाता है ताकि समाज में और कौन कौन सुधार करने हैं, क्या कमियां हैं, ऐसा माहौल बनाया जाता है ताकि डिबेट के द्वारा सरकार तक बात को पहुंचाया जा सके, और ये अक्सर इलेक्शन के टाइम पे होता भी है। एंड सरकार की निगरानी, देखिए मीडिया गवर्नमेंट का सर्विलेंस होता है, सीसीटीवी का काम करता है, जैसे लोगों को सरकारी निर्णयों के बारे में तो बताता ही है, गवर्नमेंट क्या डिसीजन लिया है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप पे, एंड सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना के रखता है। सरकार से सवाल पूछना, जनता की आवाजों को सरकार तक पहुंचाना, लोकतंत्र के मूल्यों को पालन करने में ही ये मदद करता है। यानी कि अगर मीडिया इंडिपेंडेंट ना हो तो डेमोक्रेसी ही खतरे में आ जाएगी, क्योंकि जनता तक सही जानकारी नहीं जाएगी, और सही जानकारी ना जाने के चक्कर में जनता गुमराह होगी। सरकार की वाहवाही करके भी जनता को गुमराह किया जा सकता है, और ऐसा कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर होता भी है जहां पे गवर्नमेंट का सीधा कंट्रोल होता है मीडिया पे, लेकिन भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर मीडिया बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकती है, सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाना और सरकार की कमियों की आलोचना करना, मीडिया का ये काम होना चाहिए। लेकिन आजकल की मीडिया तो आपको पता ही है किस लेवल पे जा रही है, और भारत के अंदर तो मीडिया का स्तर काफी गिरा हुआ है, वरना 161वीं रैंक नहीं आती भारत की मीडिया की। और एक चैनल तो आज इतना गिरा हुआ है, उस चैनल का मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन उस चैनल जैसा मैंने चैनल आज तक नहीं देखा, सच बता रहा हूँ, काफी गिरा हुआ चैनल है, लेकिन क्या करें, भारत की मीडिया यहाँ जैसी है, मेन मुद्दों पे बात ना करके ये ऐसे मुद्दे पे बात करते हैं जिसका जनता से कुछ लेना देना नहीं है। एंड नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, न्यायिक प्रक्रिया की निगरानी, यानी कि सर्वेलेंस ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। देखिए कई बार क्या होता है, कोई भी ऐसा जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है हमारे जुडिशरी के अंदर, मान लो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर, तो उसको भी लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, और कई बार इनकी जानकारी हमें मीडिया से ही पता चलती है, जो भी सोशल जस्टिस के अंदर हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या है, सार्वजनिक आवाज को सुनना, दैट मींस लिसनिंग टू द पब्लिक वॉइस। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई भी घटना किसी कोने में घटी है तो सरकार तो वहां तक पहुंचती नहीं है, मीडिया उस मुद्दे को हाईलाइट करती है, और मीडिया के द्वारा हाईलाइट करने के बाद वो मुद्दा गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है, और अगर ऐसा ना हो तो गवर्नमेंट तक ये जानकारी तो जाएगी नहीं, इसलिए मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र के कार्य पद्धति में मीडिया की भूमिका की आलोचनात्मक चर्चा, यानी कि रोल ऑफ मीडिया इन द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब आपको बताना है आलोचना करके कि क्यों इसकी आलोचना की जाती है मीडिया की। सबसे पहले, प्रसारणकर्ता की निष्पक्षता को खतरा, थ्रेट टू ब्रॉडकास्टर्स इम्पार्शियलिटी। देखिए कई बार हम तो यही मानते हैं कि मीडिया निष्पक्ष तरीके से काम करेगी, फेयरनेस के साथ, किसी का कोई पक्ष नहीं लेगी, अनवाइज्ड होके काम करना है, वाइज्ड होके काम नहीं करना है। अगर वाइज्ड होके करेंगे तो मीडिया पे भी आरोप लगेंगे और पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, और आजकल मीडिया इसी का शिकार है। देखिए जब भी जिसकी गवर्नमेंट आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, जाहिर सी बात है कि वो मीडिया को अपने कंट्रोल में रखता है, लेकिन मीडिया भी इस हद तक गिर जाती है कि सरकार की कमियों को नहीं बताने लगती, ना ही जनता की आवाज को उठाती है। तो मेन मुद्दे से भटकाकर अगर जनता में कुछ और दिखाया जाए, कुछ और बताया जाए, अगर एक झूठ को भी सोबरा बोला जाए तो वो सच लगने लग जाता है और जनता इसी में गुमराह हो जाती है। तो मीडिया की इसलिए आलोचना भी की जाती है। मीडिया की स्वतंत्रता को खतरा, थ्रेट टू मीडिया फ्रीडम। खतरा क्यों है, गवर्नमेंट का जब प्रेशर होता है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी क्या चाहती है कि मीडिया वही दिखाए जो गवर्नमेंट के लिए सही है। अब इसी वजह से मीडिया हाउस का चलना बंद हो जाता है। अगर मान लो सरकार की बात को नहीं माने तो फंड कहां से आएगा भाई, अब एक मीडिया चैनल को चलाने में करोड़ों रुपए खर्च होता है, इसलिए सरकार की वाहवाही करते हैं ताकि सरकार से इनको एडवर्टाइजमेंट दे और अच्छा खासा फंड दे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्रुवीकरण सामग्री, दैट मींस पोलराइजिंग मटेरियल्स। देखिए सोशल मीडिया या मीडिया हो, इसके ऊपर कई सारे ऐसे गलत सूचनाएं फैला दी जाती है जिस वजह से जनता समझ नहीं पाती और गड़बड़ी यहीं से होती है। इसी वजह से एक तबका ऐसा होता है जो दूसरे तबके के अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है, यानी कि मीडिया की सिर्फ एक खबर से एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के अगेंस्ट में हो जाती है। और ऐसा कई बार होता भी है धर्म के मामलों में, चाहे हिंदू मुस्लिम की बात हो, आपने मीडिया पे देखा ही होगा, चार लोगों को ये बिठा लेंगे और चला चला के बुलवाएंगे ताकि एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को बोले और वो भड़के। अगर वो भड़केगा तो चिल्लाएगा तो जनता भी गुस्सा होगी जो मीडिया चैनल्स को देख रही है, उस डिबेट को देख रही है। इसी से इनकी रोटियां चलती है, इनकी दुकान चलती है, क्योंकि टीआरपी बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कमजोर स्थानीय और जांच रिपोर्टिंग, यानी कि वीक लोकल एंड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। दैट मींस स्थानीय समाचार पत्रों के बंद होने का खतरा होता है। अब देखिए आपको मैंने यही बताया कि रिपोर्टिंग का स्तर काफी गिरता जा रहा है, जनता इन समाचार पत्रों में विश्वास खोते जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पेड न्यूज चलाए जाते हैं,
अगर कोई पैसे लेकर अपने नीड्स को ही चेंज कर दे तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक्चुअल में जो घटनाएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए फिफ्थ पॉइंट क्या है, दुष्प्रचार होता है, प्रोपेगेंडा चलाया जाता है और लोगों को गुमराह किया जाता है। एक पक्ष के खिलाफ गुमराह किया जाता है और एक के फेवर में किया जाता है। लोगों को सही जानकारी ना मिलने कंडीशन में अक्सर यह होता भी है। नेक्स्ट क्या है, एकाधिकार यानी कि मोनोपोली। देखिए मीडिया चैनल के ऊपर सरकार अपना मोनोपोली बनाकर रखती है। मोनोपोली बना के इसलिए भी रखती है क्योंकि मीडिया जिसको भी चाहे सड़क पर ला सकती है और मीडिया इसी पावर का मिसयूज करती है, वो सरकार और मंत्री संतरी और जो भी ऐसे लोग हैं उनके फेवर में बोलकर। अगर मीडिया अपनी जिम्मेदारी को समझे तो हेल्थ के इश्यूज पे, एजुकेशन पे, डिफेंस पे, एम्प्लॉयमेंट पे, एग्रीकल्चर पे, एनवायरमेंट पे, इन सब टॉपिक्स पे बात करें और भी ऐसे कई सोशल इश्यूज के मुद्दे हैं, बट इन पे बात ना करकर वो चार लोगों को बिठा के डिबेट करवाएंगे चिल्ला चिल्लाकर और उसी में टीआरपी बढ़ाएंगे। इसलिए आज पेड मीडिया की वजह से ही मीडिया के अंदर जो विश्वास कम होता जा रहा है लोगों का, ये बहुत बड़ा रीजन है। और आज तो कई सारे अनवाइज्ड यूट्यूबर्स हैं जो लोगों को अच्छी खासी न्यूज दे देते हैं, अपडेट्स दे देते हैं, जिससे कि लोगों को न्यूज चैनल देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप भी कई सारे चैनल्स को देखते होंगे इन करंट अफेयर्स की वीडियोस के लिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस चैनल्स को देखते हो आप। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन दो विज्ञापनों का समाज में वर्गीय भूमिकाओं के चित्रण पर मूल्यांकन करें, उन्हें अलग तरह से दर्शाने के लिए विकल्प प्रदान करें। यानी कि एवल्यूट एनी टू एडवर्टीजमेंट ऑन इट्स पोर्टल ऑफ क्लास रूल्स इन सोसाइटी प्रोवाइड अल्टरनेटिव टू रिप्रेजेंट देम डिफरेंटली। आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, इस क्वेश्चन की डिमांड को समझिए। इसमें आपको दो एडवर्टीजमेंट लेना है और उस एडवर्टीजमेंट में आपको ये बताना है कि कौन से क्लास के द्वारा उसका एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है। यानी कि अगर वो लोअर क्लास के द्वारा किया जा रहा है, गरीब के द्वारा या अमीर के द्वारा या मिडिल क्लास के द्वारा, ये बताना है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। और अलग तरीके से दर्शाने के लिए आप किसी महिलाओं के बारे में बता सकते हो, कैसे वुमेन एम्पावरमेंट का एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है इसके तहत, तो ये काफ़ी अच्छा आंसर होगा इसका। इसका पूरा आंसर बताता हूँ। देखिए आज के इस टाइम पे जो एडवर्टीजमेंट है वो कहाँ कहाँ पे दिखाया जाता है, जैसे सोशल मीडिया पे, मीडिया चैनल्स पे, रेडियो, टेलीविज़न पे एंड फिल्म्स के अंदर जो बीच में एडवर्टीजमेंट आते हैं, इन सभी जगह पे दिखाया जाता है। तो एडवर्टीजमेंट दिखाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट दिखाया क्यों जाता है, ताकि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा जा सके, लोगों तक उसको पहुँचाया जा सके। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अलग अलग वर्ग की भूमिकाओं बताओ, तो आपको इसके अंदर जो डिफरेंट क्लासेस हैं आपको उनका रोल बताना है इसमें। जैसे दो एडवर्टीजमेंट लेना है आपको, जैसे कि मान लो मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ जो सबसे फेमस है और मैंने आपने हमेशा कभी ना कभी लाइफ में सुना होगा, वॉशिंग पाउडर निर्मा विज्ञापन। आखिर बचपन में हम इन्हीं एडवर्टीजमेंट को सुनते हुए बड़े हुए हैं। अब देखिए ये जो एडवर्टीजमेंट है, आपने कभी सोचा होगा कि आपको एक दिन एग्जाम में लिखना होगा ये, खुद सोच इधर एक बार, तो आज आपको लिखना पड़ा एग्जाम के अंदर ये। देखिए विज्ञापन जो है ये एडवर्टीजमेंट वॉशिंग पाउडर निर्मा का, इसमें क्या कहा गया है, क्या होता है इस एडवर्टीजमेंट के अंदर, इसके अंदर एक डोमेस्टिक, एक काम करने वाली महिला को किराने की दुकान पर दिखाया जाता है। वो परचून की दुकान पर जाती है, वह दुकानदार से अपने मनपसंद की एक डिटर्जेंट की मांग करती है कि भाई मेरे को एक कपड़े धोने के लिए पाउडर दो। और इसी बीच इस महिला को बताया जाता है कि निर्मा पाउडर समान सफेदी और झाग के साथ सस्ते दाम पर उपलब्ध है। यानी कि निर्मा का एडवर्टीजमेंट किया जाता है। समाज में वर्गीय भूमिका यहीं से पता चलती है, क्लास रोल इन सोसाइटी। कैसे, देखिए बताता हूँ आपको मैं। सामाजिक वर्ग और आर्थिक पहुँच, सोशल क्लास एंड इकोनॉमिक एक्सेस की बात होती है। जैसे जो इसमें एडवर्टीजमेंट कर रही है महिला, वो एक लोअर क्लास से बिलोंग करती है, सबसे पहली बात। दूसरा, कैसे महिलाएं बजट में रहते हुए उच्च क्वालिटी, हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स को यूज कर सकती है और इनका तलाश करती है। अगर महिलाओं को देखोगे घर के अंदर, आप मान लो कहीं बाजार भी जाते हो, किसी मार्केट में जाओगे, देखना आप जितने अच्छे से हमारी मम्मी जी बार्गेनिंग करती है, उतने अच्छे से पापा या हमारे भाई बहन नहीं कर पाते। अगर दुकानदार ने 10 रुपये बोला है तो मम्मी सीधे 5 रुपये बोल देती है। हम सोचते हैं आसपास देख के, अरे यार कितनी शर्म से आ रही, यार मम्मी ने क्या कर दिया, अब दुकानदार देगा भी नहीं देगा। फिर दुकानदार बोलता, देख बहन जी क्या बोल दिया आपने, पूरा आधा ही कर दिया। अक्सर ऐसा होता है कि मम्मी हमारी बार्गेनिंग बहुत करती है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि लोअर क्लास की जो महिलाएं होती है वो सस्ते दाम में उच्च क्वालिटी प्रोडक्ट्स की तलाश करती है। तो वर्क क्लास के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो सोसाइटी में जो अलग अलग क्लासेस हैं इनको ध्यान में रखते हुए ही एडवर्टीजमेंट किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं मैं, अगर किसी लोअर क्लास की महिलाओं को टारगेट करना है तो उस एडवर्टीजमेंट के अंदर महिलाओं को अट्रैक्ट करने वाली ऐसे बातें दिखाई जाएगी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कम दाम में उच्च क्वालिटी वाले प्रोडक्ट लो, जैसे निर्मा पाउडर में देखा हमने, तो ये महिलाओं को अट्रैक्ट करने के लिए। और इस प्रकार के और भी कई सारे एडवर्टीजमेंट हैं। देखिए निर्मा हमें ये बताता है कि आपको अच्छी सफ़ेदी पानी है,
तो आपको महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। अगर लोअर क्लास की महिला है तो ये इसका अफोर्ड करके अच्छे सफेदी पा सकती है। अगर इस तरीके की लाइंस बोली जाएंगी तो जाहिर सी बात है एडवर्टीजमेंट में महिलाएं अट्रैक्ट होगी, तो लोअर क्लास की महिलाओं को इसमें टारगेट किया जाता है, उनको ही खींचा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, महिलाओं की भूमिका और सशक्तिकरण, रोल एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। देखिए ऐसी एडवर्टीजमेंट महिलाओं को सशक्तिकरण करती है, यानी कि महिलाओं को निर्णय लेने की पावर देती है, निर्णय लेने की क्षमता को महत्व देती है ये, एंड परिवार के लिए सर्वोत्तम उत्पाद एक महिला चुन सकती है, ये इसका फील करवाती है। देखिए विज्ञापन यानी कि एडवर्टीजमेंट में महिला का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और सोशल अवेयरनेस बढ़ाने की बात की गई है। तो ये हो गया पहला एडवर्टीजमेंट हमारा। नेक्स्ट सेकंड क्या है, संतूर साबुन विज्ञापन। एक संतूर का सोप है, डेट मीन साबुन है, अब इसका भी एडवर्टीजमेंट किया जाता है। अब इसका एडवर्टीजमेंट करने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है उसमें क्या होता है, देखिए संतूर साबुन जो है ये विज्ञापन एक युवा महिला के द्वारा किया जाता है, ये भी यूथ है और काफी सुंदर भी है। होता क्या है, ये एक नाचने के रूप में या बास्केटबॉल खेलते हुए या फोटोग्राफी करते हुए इस तरीके से एक एडवर्टीजमेंट करती है, और जब ये ऐसी एक्टिविटी कर रही होती है तो एक छोटी सी लड़की आके पीछे से कहती है मम्मी, और जब ये पीछे मुड़ती है तो आसपास की महिला इसको देखकर शॉक्ड हो जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये महिला इतनी सुंदर दिखती है और युवा दिखती है। तो संतूर जो साबुन है ये इसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट करता है कि आप अगर संतूर साबुन लगाओगे तो आप सुंदर और युवा दिखोगे, ये संतूर साबुन का टैगलाइन है। तो समाज में, सोसाइटी में इसने किस क्लास को टारगेट किया, जैसे हमने देखा निर्मा ने लोअर क्लास को टारगेट किया था, तो सोसाइटी में संतूर साबुन ने किस क्लास को टारगेट किया, आपको मैं ये बताता हूँ। सबसे पहले सौंदर्य और युवा वर्ग को, जो सुंदर दिखना चाहते हैं और जो यूथ हैं, इसने उसको टारगेट किया ताकि अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए वो संतूर साबुन ले, क्योंकि संतूर साबुन का टैगलाइन ही है सुंदर दिखना और युवा दिखना। एंड महिलाओं की बहुमुखी भूमिका के बारे में भी इसमें बताया गया कि महिलाएं चाहे तो जो मन चाहे वो काम कर सकती है, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एबिलिटी को दर्शाया गया इसके अंदर। तो इस प्रकार कहा जा सकता है निष्कर्ष के रूप में संतूर साबुन वर्गीय भूमिकाओं यानी कि अलग अलग क्लास की भूमिकाओं को टारगेट करते हुए बनाया जाता है। और ऐसे ही कई सारे एडवर्टीजमेंट है जो अलग अलग क्लास को, सोसाइटी में अलग अलग कम्युनिटी को टारगेट करके बनाया जाता है ताकि उनको घींचा जा सके, उनको अट्रैक्ट किया जा सके। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा संचार के प्रकारों पर चर्चा करें, यानी कि डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। आपको इस पे ये बताना है कि एक क्लासरूम के अंदर एक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होता है, आखिर वो कौन कौन से तरीके होते हैं जो एक टीचर अपनाते हैं अपने क्लासरूम के बच्चों से बात करने के लिए। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ इसका आंसर क्या है। देखिए संचार का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन में पहले तो ये बता दीजिए, जैसे अपने विचारों, अपने आइडियाज को एंड अपने इंफॉर्मेशन को, अपने इमोशंस को लोगों तक शेयर करना, यही होता है एक्सचेंज करने का तरीका, जो कि संचार यानी कम्युनिकेशन कहलाता है। लेकिन जब इसकी बात हमें क्लासरूम में करते हैं तो कक्षा संचार यानी क्लासरूम कम्युनिकेशन का मतलब होता है शिक्षक और छात्र यानी कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में जानकारी, इंफॉर्मेशन, आइडियाज और इमोशन का एक्सचेंज होना ही क्लासरूम कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ये तो हमारा हो गया इसकी डेफिनेशन, लेकिन इसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं जिनमें मेजर तीन टाइप्स हैं। अब वो तीन टाइप्स कौन कौन से हैं, पहला है मौखिक संचार यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा अशाब्दिक संचार यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और तीसरा लिखित संचार यानी कि रिटन कम्युनिकेशन। जो मौखिक संचार है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, जिसमें बोलकर बात की जाती है, बोलकर और सुनकर आपस में क्वेश्चन एंड आंसर किया जाता है और जो क्वेश्चन किया जा रहा है बच्चों के द्वारा उनका जवाब दिया जाता है। तो ये तो सीधा और सिंपल हो गया, जो आजकल काफी फेमस भी, और इसी साधन को अपनाया जाता है डाउट्स को क्लियर करने के लिए, मौखिक संचार यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन सेकंड जो कैटेगरी में आता है वो है अशाब्दिक संचार यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें बोलकर तो बातें नहीं की जाती लेकिन बिना बोले सब कुछ कह दिया जाता है, जैसे कि चेहरों के भाव से, हाथों की गति और आंखों की नजर से, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन का रोल होता है इसमें, हैंड मूवमेंट का रोल होता है, आईज का रोल होता है, टोन ऑफ वॉइस कैसी है आपकी, गुस्से में बोल रहे तो उसकी आवाज अलग होती है, प्यार से बोल तो प्यार की आवाज अलग होती है, एंड बॉडी का जो पोस्चर है, बॉडी लैंग्वेज भी हमारी बहुत कुछ कह देती है, बिना बोले हम अपने हाव भाव से भी कह सकते हैं। तो ये सारे वो तरीके हैं जिनसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किया जाता है, जो बोलकर तो नहीं किया जाता लेकिन कुछ सिंबल्स वाले लैंग्वेज होते हैं ये, जो बिना बोले ही कहा जाता है। अब वो सिंबल्स कौन कौन से होते हैं, चलिए एक बार हम इस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे कि चेहरे की अभिव्यक्ति, फेशियल एक्सप्रेशन की जब हम बात करते हैं, तो शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते टाइम मुस्कुराता है और टीचर को मुस्कुराता हुआ देख बच्चे ये मुस्कुराते हैं, तो यहां से एक अच्छा तालमेल बन पाता है। अगर टीचर जैसे क्लासरूम में एंटर करो बहुत गुस्सेल रूप में हो तो बच्चे भी और डर जाते हैं, कुछ बोलने से हिचकिचाते हैं,
इसका मतलब ये हुआ कि जैसा टीचर अपना हाव भाव देगा बच्चों का रिएक्शन भी वैसा ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट का है आंख की भाषा यानी कि आई लैंग्वेज। देखिए जब कोई भी टीचर किसी बच्चे से क्वेश्चन करता है तो वो उसके आंखों में देखकर क्वेश्चन पूछता है। अगर स्टूडेंट उत्तर नहीं दे पाता है तो कोई भी बच्चा जो उत्तर उसको नहीं आता है वो आंसर नहीं दे सकता तो वो अपने आंखों को झुका लेता है और इससे आराम से पता लगाया जा सकता है कि उस बच्चे को उस क्वेश्चन का आंसर आता ही नहीं है क्योंकि उसने अपने आंखों को नीचे झुका लिया है, अपनी गर्दन को झुका लिया है, जिससे कि टीचर को समझ में आ जाता है बिना बोले ही बच्चों को कुछ पता नहीं है। तो ये आंखों की भाषा होती है, आई लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट क्या है शारीरिक भाषा यानी कि बॉडी लैंग्वेज। शिक्षक यानी कि जो टीचर है वो इशारा करता है, मान लो वो दोनों हाथों को उठाता है तो सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं जवाब देने के लिए जो क्वेश्चन टीचर के द्वारा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है ध्वनि प्रतीक यानी कि साउंड सिंबल्स। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, मान लो एक क्लासरूम के अंदर टीचर आया और टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है लेकिन क्लासरूम के अंदर सभी बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, उसी वक्त टीचर के हाथ में जो चोक है चोक को टीचर ने इस बोर्ड पे बहुत तेज से बजाया, जैसे ही बहुत तेज से बजाया सारे बच्चों का अटेंशन बोर्ड की तरफ आ गया और फिर टीचर ने कहा कि बोर्ड पे ध्यान दो, यानी कि चोक के बजाने से सभी बच्चों का अटेंशन टीचर ने ले लिया। हमारे टाइम पे टीचर ऐसा किया भी करते थे, जब एक साथ पूरी क्लासरूम चिल्लाते रहते थे चोक बोर्ड पे मारते थे अपने आप ही अटेंशन बच्चों का ले लिया करते थे। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है सांकेतिक कोड भाषा यानी कि सिंबॉलिक कोड लैंग्वेज। कोड लैंग्वेज क्या है, अगर आपको उसका आंसर आता है तो आप नीचे की ओर हिलाओगे, अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप राइट और लेफ्ट की ओर हिलाओगे यानी कि नहीं आता मुझे। एंड अगर टीचर को किसी को बुलाना है तो वो चुटकी बजा देता है, हाँ जी हो हो ऐसे करके बोलता है ना तो चुटकी बजा लेता है वो। तो ये कुछ कोड लैंग्वेज होते हैं। एंड कई बार क्या होता है कि दो बंदे एक कोड रख लेते हैं, इसी कोड के आधार पे वो सारा काम करते हैं। जिसको ये कोड पता होगा उसको हम इसका एक्सेस देंगे, जिसको कोड नहीं पता होगा उसको हम एक्सेस नहीं देंगे। अब कोई भी कोड रखा जा सकता है, कोड लैंग्वेज इसको ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है लिखित संचार रिटन कम्युनिकेशन। देखिए सबसे ज्यादा फेमस जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन ही है, नॉन वर्बल है बट वर्बल कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि डाउट्स क्लियरेशन उसमें सबसे ज्यादा हो जाता है। लेकिन जो थर्ड आता है वो है हमारा रिटन कम्युनिकेशन, अब चीजों को बोलकर और ना ही इशारों में बात की जा रही है, अब सीधे लिखकर बात की जा रही है। अब इसमें क्या होता है कि कागज पर या कंप्यूटर पर टाइप कर या ईमेल नोट्स मैसेज ब्लॉग किताबें इन सब पे चीजों को लिख कर या मैसेज टीचर्स स्टूडेंट्स को बताता है, पढ़ाई के नोट्स बनवाता है, तो इस तरीके से रिटन कम्युनिकेशन ये कहलाता है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कंक्लूजन में कि आइडियाज का जो एक्सचेंज होता है इसी एक्सचेंज को हम ऐसा कम्युनिकेशन कहते हैं जिसमें तीन प्रकार के कम्युनिकेशन आते हैं, पहला वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल और तीसरा रिटन कम्युनिकेशन। और इन तीनों का ही एक क्लासरूम के अंदर यानी कि एजुकेशन के अंदर यूज किया जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन से मैं आपको अपने ही लैंग्वेज में समझाते जा रहा हूं, सही से समझना है और आंसर एग्जाम में बनाकर लिख कर आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण देते हुए समझाइए कि कैसे फिल्में पक्षपात पूर्ण प्रतिनिधित्व के साथ कट्टर आख्यान का निर्माण कर सकती है, यानी कि गिविंग एग्जांपल्स एक्सप्लेन हाउ फिल्म्स कैन बिल्ड विगट नैरेटिव्स विद बायस्ड रिप्रेजेंटेशंस। आपको इसमें ये बताना है कि कैसे कोई भी एक मूवी बनाई जा सकती है टारगेट करते हुए, चाहे महिलाओं को टारगेट करते हुए, किसी धर्म को टारगेट करते हुए, यानी कि मूवी बायस्ड हो, अनबायस्ड ना होकर वो बायस्ड होती है किसी की एक के प्रति, उसको टारगेट करके बनाई जाती है। तो ऐसे मूवीज के आपको एग्जांपल्स देना है कि उसमें किसको टारगेट किया गया है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आपको ये सारी चीजें बतानी है इस एक क्वेश्चन के अंदर, मैं आपको बताऊंगा एक एक करके सारे पॉइंट्स में, बस आपको उन पॉइंट्स को ध्यान रखना है और जिन मूवीज का नाम बताऊंगा उन मूवीज का नाम ध्यान रखना। देखिए सबसे पहले आपको बताना है कि मूवीज के द्वारा विचार विमर्श करवाया जाता है, कुछ ऐसा मैसेज दिया जाता है जो जनता पे इम्पैक्ट डालता है। तो कई सारी ऐसी मूवीज बनी है और आगे जितनी मूवीज बनती है उनका मैसेज होता है जनता को देना। अब वो क्या मैसेज दे रहे हैं यही डिपेंड करता है उस मूवी के डायरेक्टर्स पे कि वो क्या बताना चाहता है जनता को, पब्लिक ऑडियंस को, जो जनता उस मूवी को देखती है। देखिए मूवीज के अंदर ट्रेडिशनल एंड कल्चरल चीजों को दिखाया जाता है एंड कई बार तो परिवार फैमिली को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है एक मूवी के अंदर, लेकिन कई ऐसी मूवीज भी बनी है जो वाइज्ड होती है। वाइज्ड का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण, यानी कि एक को टारगेट कर उसको ही फोकस करना, बस बाकी को इग्नोर कर देना या दरकिनार कर देना। जैसे कई सारी ऐसी मूवीज बनी है जिसके अंदर जो वुमेन का रोल है वो काफी लिमिटेड दिखाया गया है, जिसमें यही दिखाया जाता है कि वुमेन का काम सिर्फ घर और चार दीवारी के अंदर रहकर घर को संभालना है और पेट्रियार्की सिस्टम को प्रमोट किया जाता है, पितृसत्तात्मक समाज जिसके अंदर बाप की संपत्ति पर बेटे को अधिकार होगा, बेटी को दरकिनार कर दिया जाता है, पेट्रियार्की सिस्टम इसी को कहा जाता है पितृसत्तात्मक। एंड कई ऐसी मूवीज है जिसके अंदर जाति यानी कास्ट, रिलीजन, क्लास कुछ ऐसे मुद्दे पे भड़काया जाता है लोगों को, जिससे कि समाज में संघर्ष बढ़ सकते हैं। तो कई बार इन चीजों का इम्पैक्ट सोसाइटी पे निगेटिव पड़ता है क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करते हैं, भेदभाव को बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी पक्षपातपूर्ण फिल्म है
उन मूवीज की एक करके हम बात करेंगे जिसके अंदर कट्टरता भी होगी और वो वाइज्ड भी होगी, एक किसी ग्रुप को टारगेट करेगी, क्योंकि भारत के अंदर ऐसे कई मूवीज भी बनती है जो स्पेशली किसी एक धर्म को टारगेट करती है, एक धर्म को बदनाम करती है, कभी इस धर्म को तो कभी उस धर्म को। तो भारत के अंदर मूवीज में ये भी ट्रेंड देखा गया है, कभी किसी के भगवान को अपमानित कर देना, इस तरीके से मूवीज के अंदर ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। बट अब हम ये देखते हैं फर्स्ट पॉइंट के अंदर महिलाओं का चित्रण और पितृसत्तात्मक समाज यानी कि पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन एंड पैट्रियार्कल सोसाइटी। अब ऐसे भी कई सारी मूवीज बनी है जिसके अंदर महिलाओं के रोल को काफी लिमिटेड रखा गया है। अब एग्जांपल देता हूं मैं, सबसे पहला मूवी कौन सा है, मदर इंडिया, जो कि 1957 में आई थी। इस मूवी के अंदर महिलाओं को संघर्ष करते हुए दिखाया गया है कि महिला काफी स्ट्रगल करती है और वो त्याग करती है, उसका काम होता है त्याग और बलिदान देना यानी कि दुख को सहना। आखिर क्यों महिलाएं ऐसा क्यों सहे, बट दुख को सहते हुए इस मूवी में दिखाया गया, देख सकते हो इस आप इमेजेस के अंदर। एंड महिलाओं की भूमिका को भी, महिलाओं का जो वुमेन का रोल है इसको भी काफी लिमिटेड करते हुए दिखाया गया ताकि पितृसत्तात्मक समाज को बढ़ावा दिया जा सके। महिलाओं का हमेशा से कम रोल रहा है सोसाइटी में, पुरुष का यानी जो मेल है इनका ही डोमिनेंस रहा है, तो इस मूवी में भी महिलाओं का कम और पुरुषों का डोमिनेंस दिखाया गया है, पैट्रियार्की सिस्टम को दिखाया गया है। पिता का ही सब कुछ चलेगा, घर के सारे डिसीजन पिता ही लेंगे, सोसाइटी के अंदर पुरुषों का ही सब कुछ चलेगा, एंड सबसे बड़ी बात है प्रॉपर्टी में भी सिर्फ बेटों का ही अधिकार होगा, बेटियों का नहीं होगा। तो महिलाओं की पहचान इसमें ये बताई गई कि वो परिवार को चलाने के लिए है और समाज में जो उनकी ड्यूटीज है उनको निभाने के लिए, जैसे अपने पति को परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करना, कई सारे ऐसे बातें कही गई। बट आज इसके अंदर चेंजेस आया है, महिला पुरुष दोनों एक समान तरीके से काम करते हैं और अगर वो एजुकेटेड हैं तो महिलाओं की भी सुनी जाती है और महिलाओं के द्वारा भी डिसीजन लिया जाता है। लेकिन जो नेक्स्ट मूवी है वो कौन सा है, चांदनी वार, जो कि 2001 में आई थी। चांदनी वार जो मूवी है, इस मूवी के अंदर जो बार डांसर होते हैं, जो किसी बार में डांस करते हैं, उनकी कठिनाइयों को दिखाया गया है, कैसे वो संघर्ष करते हैं, उनके संघर्ष को उजागर किया गया है, इनके जीवन में कितनी सारी कठिनाइयां हैं। बट इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं काफी, जैसे समाज में इन महिलाओं के प्रति लोग काफी नेगेटिव सोचते हैं, उनको गलत अनाप शनाप कहते हैं कि भाई ये तो ये है, वो तो ये है। तो इस प्रकार जो बार डांसर में महिलाएं होते हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता और इस मूवी के अंदर यही दिखाया गया है। नेक्स्ट क्या है, वर्ग संघर्ष और प्रेम कहानियां यानी कि क्लास स्ट्रगल एंड लव स्टोरीज वाली मूवीज कौन कौन सी है, जैसे कि मुगले आजम, जो कि 1960 में आई थी। अब मुगले आजम जो मूवी है ये राजकुमार सलीम और अनारकली की लव स्टोरी के ऊपर बनाई गई है, जो कि अपर और लोअर क्लास के बीच में जो स्ट्रगल होता है, एक गरीब होता है और एक अमीर होता है, इनके बीच में काफी स्ट्रगल होता है और इन्हीं स्ट्रगल को दिखाया गया इस मूवी के अंदर। इस मूवी का मैसेज ये होता है कि समाज के अंदर कई सारे क्लास स्ट्रगल होते रहते हैं, इसलिए आप 60s, 80s या 90s की मूवी को देखोगे तो उसमें लड़का या तो गरीब होगा तो लड़की अमीर होगी, और अगर लड़की गरीब है तो लड़का अमीर होगा, और इस तरीके से क्लास स्ट्रगल को दिखाया जाता है कि कैसे अमीर गरीब के बीच में लव स्टोरी होती है। उस टाइम की मूवीज के अंदर ये मैसेज दिया जाता था, तो इससे अलग अलग क्लास के बीच में स्ट्रगल भी बढ़ता है, अमीर गरीब में शादी नहीं करना चाहता और गरीब का अमीर में शादी हो नहीं सकता, और इसी क्लास स्ट्रगल को दिखाया गया मुगले आजम मूवी के अंदर। नेक्स्ट क्या है, सोराट। सोराट जो मूवी है ये 2016 में आई थी, 2016 में, और सोराट मूवी के अंदर क्या दिखाया गया है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, किस तरीके से दो प्यार करने वालों, एक पारसा और आर्ची, दोनों को अलग कर दिया जाता है क्योंकि इनका कास्ट अलग होता है और इनको स्वीकार नहीं किया जाता। मूवी के एंड में तो इनका मर्डर करवा दिया जाता है और कहानी के अंदर जातिगत संघर्ष को दिखाया गया है, और इससे ही समाज के अंदर लोग और इंस्पायर होते हैं और इससे समाज में हिंसा होती है। तो इस मूवी में जिस तरीके से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दिखाया गया है एंड जाति के नाम पे हत्या भी करवा दी गई है, जो कि समाज के अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करता है, तो इसका समाज पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बट आज के टाइम पे क्या है कि आज भी ये है कि समाज के अंदर जातिवाद भेदभाव है, बहुत गहरा है, बट आज अगर लड़का और लड़की सफल है, दोनों सक्सेस है, चाहे उनकी जाति जो भी हो, वो शादी कर लेते हैं। आज तो खुद गवर्नमेंट प्रमोट करती है इंटर कास्ट मैरिज को, अगर आप कास्ट के बाहर किसी और कास्ट से शादी करते तो राजस्थान के अंदर तो आपको 5-5 लाख, 8-8 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। तो कई सारी गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है इंटर कास्ट मैरिज को, अपने कास्ट से बाहर निकलकर शादी करो, बट कास्ट के लोग ऐसा चाहते नहीं है, क्योंकि कास्ट के लोग अपने ही कास्ट में शादी करना चाहते हैं और अगर कोई बाहर कर ले तो इसे तकलीफ होती है भाई, तो ये डिस्क्रिमिनेशन इसमें दिखाया गया है। एंड नेक्स्ट मूवी कौन सी है, धार्मिक और सांस्कृतिक पक्षपात को जो दिखाती है, जो रिलीजियस एंड कल्चरल बायसेस है, जैसे अमर अकबर एंथनी,
जो कि 1977 में आई थी। इस मूवी के अंदर तीन धर्मों के बीच में भाईचारे को दिखाया गया, बट इसमें यह भी दिखाया गया जो हर धर्म के फॉलोवर्स हैं, हर धर्म के अंदर कोई ना कोई गुण है तो कुछ कमियां भी है हर धर्म के अंदर। तो समाज के लोग गुण तो सुनना चाहते हैं लेकिन दोष यानी कमियां नहीं सुनना चाहते भाई। तो इस तरीके से समाज के अंदर कई लोग जो पहले से ही मान लेते हैं कि अच्छा ये इस तरीके से भटका रहा है, गलत फहमियां ही संघर्ष को बढ़ा देती है। तो कहीं ना कहीं ये तीन धर्मों के बीच में जो आपस में डिस्प्यूट है ये इसको बढ़ाती है। तो इस मूवी के अंदर जो दिखाया गया ये बताया जा रहा है इसमें किस तरीके से धर्म को टारगेट किया गया है। नेक्स्ट क्या है, हम साथ साथ है, 1999 की मूवी है ये, और हम साथ साथ की मूवी के अंदर हिंदू संयुक्त परिवार को दिखाया गया है, यानी कि हिंदू ज्वाइंट फैमिली, किस तरीके से सारे फैमिली मिलकर एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं और पारिवारिक एकता को बताते हैं ये। तो इस मूवी के द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि धर्म और संस्कृति के नाम पर सिर्फ हिंदू धर्म के अंदर ही एक ऐसी आइडियल फैमिली होती है जो ज्वाइंट फैमिली में रह सकती है, बाकी और धर्म के अंदर ऐसा नहीं होता। तो हिंदू फैमिली के नाम पे इसमें ये बताया गया है कि कैसे हिंदू फैमिली ही सिर्फ ज्वाइंट फैमिली बनकर रह सकती है। बट आज तो ज्वाइंट फैमिली का इतना भी प्रचलन नहीं है, शुरुआत में कुछ सालों तक रह भी सकते हैं बट इसके बाद ये चीज मूवी में अच्छी लगती है, चाहे धर्म हिंदू हो मुस्लिम हो चाहे जो भी धर्म हो, कुछ समय के लिए लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं बट सब अलग धलग रह जाते हैं, कभी घर में महिला की वजह से, कभी पुरुष की वजह से, कभी बच्चों की वजह से, ये कलेश देखना नहीं चाहते वो, तब जाके ज्वाइंट फैमिली सिंगल फैमिली बन जाती है। तो ये इसमें बताना है आपको, बट इसका इम्पैक्ट पड़ता है समाज के ऊपर। तो इस मूवी ने ये संदेश दिया था कि हिंदू फैमिली ज्वाइंट फैमिली में रह सकती है, उस टाइम की बात है ये। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राष्ट्रवाद और सैन्य बहादुरी, यानी कि नेशनलिज्म एंड मिलिट्री ब्रेवरी। देखिए बॉर्डर मूवी 1997 में आई और ये मूवी इंडियन सोल्जर्स की बहादुरी और बलिदान को दर्शाती है, कैसे वो देश के लिए मर मिट जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, और ये मूवी इसी देशभक्ति को दिखाती है। इस मूवी के अंदर पाकिस्तान और जो उसके सोल्जर्स हैं उनकी जो नेगेटिव, उनके जो नकारात्मक हरकतें हैं उसको दिखाया गया है, और इनकी हरकतों से पर्दाफाश करने से जो पड़ोसी देश है इनसे दुश्मनी हो जाती है क्योंकि उनके मन में नफरत फैल जाता है हमारे देश के प्रति। तो ये इस मूवी के अंदर दिखाया गया। नेक्स्ट है गदर एक प्रेम कथा, 2001 के अंदर ये मूवी आई थी और ये मूवी जो है ये भारत पाकिस्तान के पार्टीशन पे बनी है। इस मूवी के अंदर एक हिंदू लड़के की मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है और इस पूरी लव स्टोरी को इस मूवी में दिखाया गया है, और इस मूवी के अंदर पाकिस्तान के जिस नेगेटिव रवैये को दिखाया गया जिसके वजह से दोनों देश के बीच में तनाव बढ़ जाता है। भारत और पाकिस्तान को लेकर ऐसे कई सारे मूवीज बनी है जिसमें भारत के अंदर पाकिस्तान में बनी हुई सारे मूवीज के अंदर जितनी मूवीज बनती है उसमें विलन के रूप में पाकिस्तान को रख दिया जाता है। अब पाकिस्तान की हरकतें ही ऐसी है, उसने किया ही ऐसे कारनामे, मूवीज के अंदर हमेशा उसको टारगेट किया जाता है और नेशनलिज्म के नाम पे ऑडियंस का प्यार भी मिलता है ऐसी मूवीज को। बट पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान के मन में बहुत दिक्कत होती है, कोई तकलीफ होती है, इसी वजह से नफरत बढ़ जाती है, फिर वो सीज फायर करता है, फिर वो हमारे सैनिकों पर अटैक करता है, इस प्रकार की घटनाओं को वो अंजाम देता है। कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि भारतीय सिनेमा में फिल्मों के माध्यम से समाज के अंदर अलग अलग मैसेज दिए जाते हैं, अब वो चाहे अनवाइज्ड हो या वाइज्ड हो। वाइज्ड होगा तो कट्टरता को बढ़ावा दिया जा सकता है, और ये सारे काम फिल्म निर्माता जो मूवी का डायरेक्टर होता है वही ये सारे काम करता है क्योंकि स्क्रिप्टिंग उसके ही द्वारा की जाती है। तो ये मूवी बनाने वाले पर डिपेंड करता है कि वो नेगेटिव या पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहता है सोसाइटी के अंदर, वो अपनी इस मूवी से क्या मैसेज देना चाहता है सोसाइटी में। ऐसे और भी कई सारी मूवीज बनी जैसे थ्री इडियट है, कितनी अच्छी मूवी, एजुकेशन पे बनी मूवी, ऐसी और भी कई सारी मूवीज है जिनका मकसद सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस लाना होता है। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडिया घरानों द्वारा अपने दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने और उनकी धारणाओं को प्रभावित करने के लिए कौन से अलग अलग साधन अपनाए जाते हैं, यानी कि व्हाट आर द वेरियस मींस अडॉप्टेड बाय द मीडिया हाउसेस टू टैप द अटेंशन एंड परसेप्शंस ऑफ इट्स व्यूअर्स। आपको बताना है जो मीडिया चैनल्स वाले होते हैं ये कौन से ऐसे हथकंडे अपनाते हैं, तरीके अपनाते हैं लोगों का ध्यान आकर्षित या अटेंशन लेने के लिए। देखिए आज इस टाइम पे मीडिया के अंदर न्यूज़पेपर भी आता है तो रेडियो भी आता है, टेलीविजन नेटवर्क इंटरनेट पोर्टल ब्लॉग पॉडकास्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अन्य ऐसे कई सारे न्यूज चैनल्स हैं जिनको आज मीडिया कहा जाता है। बट यहाँ पे जो टॉपिक है मीडिया घराने, इसका क्या मतलब है? देखिए घराने का मतलब यहाँ पे मीडिया हाउस से है, पूरा मीडिया का ग्रुप, अब चाहे वो सोशल मीडिया के चैनल्स हो गए या यूट्यूब पे जो सारे चैनल्स हैं, आप टीवी चैनल्स भी देखते हो, वो सारे रिसोर्सेस जो इंटरनेट का यूज करके चलते हैं उनको ही मीडिया हाउस कहा जाता है। अब इनमें चैनल है, अखबार है, रेडियो स्टेशन है, वेबसाइट है, सबको चलाने के लिए इंटरनेट का यूज किया जाता है। तो यहीं से स्टार्ट होती है हमारी मीडिया हाउसेस। अब ये मीडिया हाउस क्या करते हैं, टीआरपी के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो अगर ध्यान और मीडिया की बात आती है तो ये सबसे पहले पोस्ट या फोटोज वीडियोस ऑडियो कार्टून समाचार ये इस टाइप के चीजों को शेयर करते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से ताकि लोगों के बीच में रुचि पैदा की जा सके। लोग अगर रुचि लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, तो ये इस प्रकार की चीजों को शेयर करना पसंद करते हैं।
इसके अंदर ये सारी चीजें आती है। मैं इधर हिंदी मीडियम और इस तरफ इंग्लिश मीडियम में दिखाता चल रहा हूँ, जिनके पास जो मीडियम है वो देखते चले। नेक्स्ट क्या है, धारणा और मीडिया यानी कि परसेप्शन एंड मीडिया। देखिए हर एक पॉइंट को कवर करना आपको जो आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ये देखिए यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं मैं हर एक पॉइंट्स को कवर करता हुआ चल रहा हूँ। धारणा और मीडिया में क्या बताना है आपको, देखिए सोसाइटी के अंदर मीडिया जो भी दिखाती है उसका सोसाइटी पे प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव यानी कि ये जो इम्पैक्ट है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर आज आप जो चीज सोचोगे या आप जो एक बार देख लोगे अपने फोन के अंदर वही चीज आपको बार बार दिखाई जाएगी। अब इससे क्या होगा, या तो आप उस प्रोडक्ट को खरीद लोगे या आपको इतनी बार दिखाई जाएगी कि आपको पसंद करवा दी जाएगी। अब जरा आप कुछ चीज सोच के देखो कि यार मेरा ये चीज लेने का मन कर रहा है यार, या आप गूगल पे सर्च कर लो एक बार, आपको फेसबुक अमेजोन सब जगह पे वही चीज दिखेगा। फिर तो आपके मोबाइल फोन को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि आपका अटेंशन लिया जा सके। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान आकर्षित करने के लिए ये कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। अब उन सभी फैक्टर्स पे बात करते हैं हम। देखिए सबसे पहला उत्कृष्ट सामग्री और कंटेंट यानी कि ये एक्सीलेंट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। देखिए जब तक कंटेंट में दम नहीं होगा लोग देखेंगे नहीं, लोग रुचि ही नहीं लेंगे, बिना इंटरेस्ट के लोग देखेंगे नहीं, इसलिए इंटरेस्ट पैदा करने के लिए काफी गहन रिसर्च करते हैं। ऐसे कई सारे मीडिया हाउस है जो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, पहले रिसर्च करते हैं वो, फिर स्क्रिप्टिंग करते हैं, देन वो चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, गहन अनुसंधान यानी कि इन डेप्थ रिसर्च। इन डेप्थ रिसर्च का मतलब चीजों को पहले काफी गहराई में रिसर्च की जाती है तब जाके लोगों तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि अगर गहराई से रिसर्च की जा रही है तो उसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स पे नहीं सॉल्यूशंस पे भी बात की जाती है। लोग इन चीजों को पसंद करते हैं इसलिए लोग ज्यादा देखते हैं, ध्यान आकर्षित होता है लोगों का। नेक्स्ट क्या है, आकर्षक डिजाइन और लेआउट। जो अट्रैक्टिव डिजाइन और लेआउट बनाया जाता है इन मीडिया हाउसेस के द्वारा, जैसे वेबसाइट्स लेआउट हो गए, प्रिंट मीडिया हो गया, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने हो गए, तो इन सबका लेआउट काफी अट्रैक्टिव होता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं इनसे और लोग देखते भी हैं। नेक्स्ट क्या, सोशल मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस होता है ये बताना है। देखिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है इन पे आइडियाज को शेयर किया जा सकता है। आज अब यूट्यूब या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखोगे तो यहाँ पे भी लोगों का अट्रैक्शन लेने के लिए थंबनेल्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि लोग वीडियोस पे क्लिक करें। और ये सच्चाई है हर एक यूट्यूबर्स की, हर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की, और ऐसे ही मीडिया हाउसेस वाले भी करते हैं। लोगों का अटेंशन लेने के लिए इस तरीके से पोस्टें बनाते हैं ताकि लोग उस पर क्लिक करें, एंड एडवर्टीजमेंट चलाते हैं वो लोगों को ध्यान खींचने के लिए। इसीलिए फिफ्थ पॉइंट बताया गया प्रसारण और विज्ञापन, यानी कि अपने पोस्टों को या अपने प्रोडक्ट्स को वो स्पॉन्सर करते हैं और स्पॉन्सर्स के द्वारा ज्यादातर लोगों तक पहुंचाया जाता है इसको। तो कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि मीडिया घराने यानी कि मीडिया हाउस के लोग ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं जिससे कि वो क्वालिटी कंटेंट दे, इन डेप्थ रिसर्च करे, अट्रैक्ट करे लोगों को सोशल मीडिया एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीजमेंट करे और लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाए, तो इस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट किया जा सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स टोटल चार दिए गए हैं और इन चारों शॉर्ट नोट्स को मैं आपको बताने वाला हूँ। चारों शॉर्ट नोट्स में से आपको कोई दो ही करना होता है एग्जाम्स के अंदर। चलिए हम इन चारों को समझते हैं। सबसे पहला है कला शिक्षा का महत्व बताइए, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट एजुकेशन। अब आर्ट का क्या मतलब होता है, जब भी हम कोई चीज पेंटिंग में या कोई हम कर दिखाते हैं वही होता है हमारा कला। अब वो चाहे आपके अंदर स्किल हो कोई ड्रामेटिक चीजों को प्रस्तुत करने का, प्रेजेंट करने का, या आप किसी चीज को बनाकर एक पेंटिंग के रूप में दिखा सको, तो इस तरीके से कला को दिखाया जा सकता है। तो इसमें आपको क्या क्या बताना है कि कला शिक्षा जो है ये मानव समाज के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, एंड कला के द्वारा समाज की समस्याओं को बताया जाता है। अब मान लो कोई एक पेंटिंग है और वुमेन एम्पावरमेंट हो गया या गर्ल्स एजुकेशन हो गया या चाइल्ड एजुकेशन वगैरह या अनटचेबिलिटी हो गया, कुछ ऐसे इश्यूज को पेंटिंग के रूप में बनाया जा सकता है और सोसाइटी के अंदर इस प्रॉब्लम को दिखाते हुए इनके सॉल्यूशन की बात की जा सकती है। तो पेंटिंग या इस तरीके से प्रस्तुत करके लोगों के सामने रखा जा सकता है। तो कला शिक्षा का सिंपल मतलब होता है जब लोग अपनी बातों को इस तरीके से रखे, चाहे वो संगीत के माध्यम से या डांस के माध्यम से, साहित्य या अलग अलग तरीके से, पेंटिंग हो गया, उन सब तरीके से रखने के बाद वो अपनी बातों को रख सकते हैं। तो मेनली कला के दो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ आर्ट। पहला होता है परफॉर्मिंग आर्ट्स और दूसरा होता है विजुअल आर्ट्स। परफॉर्मिंग में क्या होता है, जैसे आज मूवीज देखते हो आप, मूवी में जो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं जो चीजों को निभा रहे होते हैं, जो किरदार को निभा रहे होते हैं, इसी तरीके से कोई नुक्कड़ नाटक हो गया, रंगमंच हो गया, कठपुतली, कहानी सुनाना, कुछ इस तरीके से जादू का प्रदर्शन करना, ये परफॉर्मिंग आर्ट हो गया, दैट मीन्स परफॉर्मेंस करने की कला आर्ट हो गया। लेकिन दूसरा है विजुअल आर्ट, जिसके अंदर पेंटिंग, फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग, स्टेज आर्ट, मॉडलिंग, स्कल्पचर यानी कि मूर्ति बनाना हो गया, ये सारे हो गए विजुअल आर्ट। और इन सब चीजों के द्वारा भी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को दिखाया जा सकता है। आखिर कला शिक्षा का क्या ऑब्जेक्टिव है आपको ये बताना है। देखिए सबसे पहले कोई भी कौशल लोगों को सोचने के लिए मजबूर करता है,
समाज में संबंध बनाता है, रिलेशन बनाया जाता है। मान लो कोई ऐसी पेंटिंग बना दी गई, आपने नाम सुना होगा मोनालिसा। मोनालिसा जो पेंटिंग बनाई गई थी एक बहुत एक्सपेंसिव और बहुत अट्रैक्टिव थी, क्योंकि इनके चेहरे को देखने से लगता था कि एक तरफ तो ये मुस्कुरा रही है और एक तरफ ये बहुत नाराज है। तो आप इस इमेज को भी देख के अंदाजा लगा सकते हो। तो इस तरीके की पेंटिंग को बनाकर लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया जा सकता है। तो पेंटिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पर भी, ये लोगों को अवेयर करता है। एंड सोसाइटी में जो कल्चर है, इन कल्चर्स को भी पेंटिंग में दिखाया जा सकता है, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कल्पना करें, वो भी कॉन्फिडेंट रहें और सोसाइटी के अंदर लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाया जा सके इन पेंटिंग्स के माध्यम से। अब कला शिक्षा का महत्व क्या है, अब ये जानते हैं हम। हमने ऑब्जेक्टिव तो देख लिया, ऑब्जेक्टिव यानी कि मकसद, महत्व का मतलब इसका इंपॉर्टेंस, जैसे कि सीखने की शैलियों और क्षमताओं में वृद्धि। अब जो आर्ट है ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है लर्निंग स्टाइल एंड एबिलिटी। अगर कोई चीज मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, वही चीज मैं आपको विजुअल्स में बताऊं, अगर पेंटिंग में हर एक करेक्टर को मैं बनाकर बताऊं, तो कितना अच्छा होगा कि आपको चीजें समझ में भी आ जाएगी। इसलिए ये सीखने की शैली को बढ़ाता है, ये इंक्रीज करता है लर्निंग स्टाइल को। नेक्स्ट क्या है, सौंदर्य के स्वभाव में विकास, दैट मीन्स डेवलप्स एस्थेटिक टेम्पर। दैट मीन्स ये क्या करता है, ये युवा वर्ग के मन में सौंदर्य जागरूकता बढ़ाता है, यानी कि जो युवा है, जो यूथ है हमारे, उनके मन में जागरूकता बढ़ती है इन आर्ट से। आसपास के जीवन के बारे में वो समझते हैं। अगर आपको नेचर को देखोगे या किसी और नेचुरल एक्टिविटीज को देखोगे, तो आप चीजों को समझ पाओगे उस पेंटिंग या इमेजेस के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, सांस्कृतिक प्रदर्शन को बढ़ावा, यानी कि प्रमोट कल्चरल एक्सपोजर, यानी कि पेंटिंग के द्वारा या आर्ट के द्वारा लोगों के जीवन को दिखाया जाता है कि कैसे डाइवर्सिटी है, अलग अलग कल्चर के लोग हैं और हर एक कल्चर का अपना तरीका होता है, और इन्हीं कल्चर को परफॉर्म करके या आर्ट के द्वारा, पेंटिंग या मिनिएचर के द्वारा भी दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा, यानी कि प्रमोटिंग सोशल हार्मनी। अब कोई भी पेंटिंग के द्वारा एकता को बढ़ावा दिया जा सकता है और मतभेदों, जो डिस्प्यूट्स हैं, उनको मिटाया जा सकता है, तो इसका इसलिए इंपॉर्टेंस भी है। नेक्स्ट क्या, प्रभावी संचार का विकास, यानी कि डेवलप्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए, सोसाइटी में अगर कोई बात अपनी रखनी है तो या तो उसको सिंपल बोल के रखो, अगर इफेक्टिव तरीके से रखनी है तो उसको आर्ट के फॉर्म में रखो, उसको इस तरीके से क्रिएट करो इमेजेस बना के, ताकि सोसाइटी में वो कुछ मैसेज दे। अब होता क्या है ना, कोई अगर कोई चीज हम इमेज या कोई ड्राइंग बनाए, वो ड्राइंग तो अपने आप में कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन देखने के बाद ही ऐसा लगे कि वो कुछ हमसे कह रहा है, और वही चीज जो वो हमसे कहना चाह रहा है वो चीज समझ में आ जाए। और ये चीज डिपेंड करती है उस आर्ट वाले पे जो उस पेंटिंग को बना रहा है। इसलिए जो पेंटर होते हैं वो इस चीज को ध्यान में रख के बनाते हैं, जो भी वो बना रहे हैं इसका कोई मीनिंग हो, ताकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके जो उस पेंटिंग को देखने वाला है। नेक्स्ट क्या है, आत्म अनुशासन में विकास, दैट मीन्स डेवलपमेंट इन सेल्फ डिसिप्लिन। अब देखिए यार, आर्ट एजुकेशन क्या करता है, मान लो आपको कोई आर्ट आता है, तो आप उस आर्ट के द्वारा सोसाइटी में अपनी बातों को रख सकते हो, आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है, तो इससे आत्म अनुशासन बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होती है, यानी कि इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंस है जो आपको बताना है। तो निष्कर्ष में आपको यही बताना है कि कला शिक्षा समग्र कल्याण को बढ़ावा देती है, और किस तरीके से एक स्टूडेंट से हो या सोसाइटी में कोई एक बंदा हो, वो अपना फिजिकल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल, इन सभी एक्टिविटीज या इन सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है, अगर कोई उसको आर्ट आती है, शिक्षा में जो भी उसको कला आती है उस कला का यूज करके। तो हर एक इंसान के पास कोई कला होती है, बस उसको पहचानने की देरी होती है। एंड नेक्स्ट शॉर्ट नोट क्या है हमारा, शैक्षिक पत्रिकाओं के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ एकेडमिक जर्नल्स। आप देखते हो कि मैगजीन्स वगैरह मिलती है आपको स्कूल्स कॉलेज के अंदर, तो ये कितने टाइप्स की होती है, इसकी शुरुआत कब की गई थी। देखिए, जो एजुकेशनल या एकेडमिक जो मैगजीन्स है, इसकी शुरुआत 1700 में ही कर दी गई थी, लेकिन 1731 में पहली बार एक अंग्रेज था एडवर्ड कोव, इसके द्वारा द जेंटलमैन्स मैगजीन निकाली गई थी और फर्स्ट मैगजीन थी पूरी दुनिया के अंदर। और इस प्रकार कविताओं से लेकर कहानियां, यानी कि इस मैगजीन के अंदर एसेस थे, पोएम्स थे एंड इसके पॉलिटिकल आइडियाज थे। फर्स्ट जो मैगजीन निकली वो थी द जेंटलमैन्स मैगजीन, आप इन देख सकते हो इसकी इमेज यहाँ पे। तो इस तरीके से मैगजीन निकाले गए। अब ये मैगजीन या शैक्षणिक पत्रिकाएं या एकेडमिक जो जर्नल्स होते हैं, ये क्यों निकाले जाते हैं, किसके द्वारा निकाले जाते हैं। देखिए, ये निकाले जाते हैं जो एजुकेशनिस्ट होते हैं, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर या एजुकेशन में जानकार होते हैं, काफी नॉलेज वाले होते हैं, जिनको शिक्षाविद भी कहा जाता है हिंदी में, एजुकेशनिस्ट, इनके द्वारा ही ये मैगजीन्स वगैरह या पत्रिकाएं निकाली जाती है। अब शैक्षिक पत्रिकाओं का विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये आपको बताना है। देखिए, मास मीडिया में पत्रिकाओं यानी कि जो मैगजीन्स हैं, इनका जो डेवलपमेंट है
ये 1825 से लेकर 1850 के बीच में हुआ है, एंड जब लिटरेसी रेट बढ़ रहा था, क्योंकि उस टाइम पे लोग ज्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई जर्मनी के गुटेनबर्ग में, अभी इसकी शुरुआत 1764 में ही हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके ये लोगों तक पहुंचने लग गया और लोग ज्ञान के भूखे बन गए। उनको लगा भाई ये नई चीज है। जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ इनोवेशन के बाद, जब कागजात पे चीजें छपने लग गई, तो लोगों की जो पढ़ने की भूख है आस है ये बढ़ गई, और यहीं से दुनिया भर के अंदर जो पत्रिकाएं हैं जो मैगजीन्स हैं इनका इम्पोर्टेंस बढ़ता चला गया। तो इनके इम्पोर्टेंस के बढ़ने से सोसाइटी के अंदर लिटरेसी रेट भी बढ़ा, लोगों ने पढ़ने में जागरूकता दिखाई और इनका भी प्रोडक्शन बढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, भारत के कुछ पत्रिकाएं हैं, कुछ मैगजीन्स हैं, जैसे कि स्टार डस्ट सबसे पहला है, एंड इसके बाद जो सबसे फेमस है भारत का वो है इंडिया टुडे। ये भारत का सबसे पहला सफल मैगजीन है जो सक्सेस हुआ है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शैक्षिक पत्रिकाओं के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एकेडमिक जर्नल्स। अब एजुकेशनल कई सारे मैगजीन्स होते हैं जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे सबसे पहला बिजनेस टू बिजनेस जिसको BCB कहा जाता है। अब इसके अंदर ऑटोमोटिव होता है, बैंकिंग, भवन निर्माण, इंजीनियरिंग, सूचना टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ से रिलेटेड हो गया, होटल मैनेजमेंट से या रिजोर्ट से रिलेटेड हो गया, जो बिजनेस से रिलेटेड सारे एक्टिविटीज वगैरह हैं वो बिजनेस टू बिजनेस मैगजीन्स में निकाले जाते हैं, तो इसका काफी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है उपभोक्ता पत्रिकाएं, कंज्यूमर मैगजीन्स। अब इसमें क्या होता है कि एक कंज्यूमर या जिससे वो सामान ले रहे हैं उसके निजी प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा होता है, उसके पर्सनल चीजों के बारे में इसमें लिखा होता है जो वो प्रोडक्ट्स बेच रहा है, इसलिए इसको उपभोक्ता पत्रिका कहा जाता है यानी कंज्यूमर मैगजीन्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साहित्यिक समीक्षाएं और अकादमिक पत्रिकाएं यानी कि लिटरेरी रिव्यूज एंड एकेडमिक जर्नल्स। देखिए कई कॉलेज वगैरह स्कूल्स वगैरह के अंदर क्या होता है कि जो एजुकेशनिस्ट होते हैं उनके द्वारा कॉलेज वगैरह के अंदर या कोई NGOs वगैरह हो गए वहाँ पे इस टाइप्स की मैगजीन्स निकाली जाती है, पत्रिकाएं निकाली जाती है जिसके अंदर समीक्षाएं की जाती है यानी किसी टॉपिक पे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बताए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, न्यूज़लेटर। अब न्यूज़लेटर का क्या मतलब होता है, देखिए जो मैगजीन्स होती है ये 70-80 पेज 100-150 पेजेस की होती है, यानी कि पेजेस इसमें ज्यादा होता है मैगजीन्स के अंदर, लेकिन जो न्यूज़लेटर होते हैं ये छोटी पत्रिकाएं इनको कहा जाता है क्योंकि इसमें 4-8 ही पेजेस होते हैं। ये स्कूल कॉलेज वगैरह के अंदर या किसी ऑफिस के अंदर ये वीकली या मंथली निकाला जाता है, जो कि मंथली में जो जो एक्टिविटीज हुई है एक ऑफिस या स्कूल्स वगैरह के अंदर, जो घटना घटी है या जो ऑब्जेक्टिव आने वाले टाइम के लिए, ये इस न्यूज़लेटर में बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में है कॉमिक बुक। कॉमिक बुक काफी फेमस है, आपने डोरेमोनी में देखा होगा किस तरीके से नोबिता काफी कॉमिक बुक पढ़ता है, सुनियो ये सब आपने सुना होगा, उसके अंदर बचपन में ही हमने ये सब तो सुना है लेकिन आज ये काफी फेमस है। कॉमिक्स बुक के अंदर क्या होती है कि शब्दों के द्वारा और इसमें पिक्चर्स के द्वारा चीजों को समझाया जाता है, कई सारी स्टोरीज वगैरह इसमें होती है, जैसे आर्ची, टिंटिंग, चंदा मामा, चाचा चौधरी, ये कुछ काफी फेमस कॉमिक्स बुक है। एंड मार्वल और DC कॉमिक्स, ये ऐसी कंपनीज हैं जो कॉमिक्स बुक्स को प्रिंट करके भारत और दुनिया भर के अंदर बेचती है, और कुछ फेमस भी कॉमिक्स बुक है जो दुनिया भर में फेमस है, उनका नाम है फैंटास्टिक फोर एंड द अमेजिंग स्पाइडरमैन, ये कुछ फेमस कॉमिक्स बुक है। कॉमिक्स बुक्स को भी इसलिए पढ़ा जाता है ताकि एंटरटेनमेंट किया जा सके और उससे कुछ लर्निंग ले जा सके। तो कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि एकेडमिक जर्नल्स या मैगजीन्स का इंपॉर्टेंस शुरुआत से ही रहा है और ये ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेज सभी जगह पे इसका यूज किया जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स है हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है और इसके बारे में आपको बताना है। देखिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कुछ एग्जांपल्स हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी नए जमाने का एक प्रकार का मीडिया ही है क्योंकि इसमें क्या होता है यहाँ पे लोग ऑनलाइन तरीके से जुड़ सकते हैं, इंटरनेट का यूज करते हुए दुनिया भर के लोग आपस में जुड़ सकते हैं, बातों को शेयर कर सकते हैं, वीडियोस एंड मैसेज को शेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आजकल बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म बन चुका है क्योंकि इनका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। आज जैसे इंटरनेट की रेवोल्यूशन आई, इंटरनेट सस्ती हुई, लोग इन पे डिपेंड हो गए। अब टीवी में क्या होता था, जो टीवी आपको दिखाएगा वही आप देखोगे, लेकिन मोबाइल फोन में आपकी अपनी मर्जी है, आपको जो पसंद है आप वो देख सकते हो। टीवी आपको कंट्रोल करता था लेकिन मोबाइल फोन आपके कंट्रोल में है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कई फायदे हैं तो नुकसान भी है। अब क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं आपको ये बताना है, यानी फीचर्स क्या क्या हैं इसके। देखिए सोशल मीडिया क्या करता है, सबसे पहला पॉइंट है पहुंच और उपयोगकर्ता इंटरफेस यानी कि ये एक्सेसिबिलिटी, दैट मींस ये लोगों की और लोगों तक पहुंच को बढ़ाता है। और दूसरा, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डिजाइन इस तरीके से किया गया है जो कि यूजर इंटरफेस है, दैट मींस जिनको आम इंसान आसानी से चला सकता है। नेक्स्ट क्या है, सामग्री साझाकरण और निर्माण। हम कोई भी कंटेंट शेयर कर सकते हैं और कोई भी वीडियो
वीडियो या पोस्ट बनाकर इन पे शेयर भी किया जा सकता है, चाहे यूट्यूब है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर है, इन पे हम इन चीजों को शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, संचार सुविधाएं यानी कि कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। इन प्लेटफॉर्म पे हम स्ट्रीमिंग कर सकते हैं यानी कि लाइव आ सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हम वीडियोस या मैसेज को शेयर कर सकते हैं, इमोजी भेज सकते हैं, इमेजेस भेज सकते हैं, हैशटैग लगा सकते हैं, तो ये सारी सुविधाएं हमें मिलती है। नेक्स्ट क्या है, व्यक्तिकरण और एल्गोरिथम फीड, दैट मींस पर्सनलाइजेशन एंड एल्गोरिथम फीड। अब इसका मतलब देखिए, आपके जिसमें रुचि है, मान लो आपने यूट्यूब के ऊपर आज एक वीडियो देखी, तो अब यूट्यूब का एल्गोरिथम क्या करता है, आपको उससे ही रिलेटेड वीडियोस को सजेस्ट करता है ताकि आप उससे रिलेटेड वीडियोस को देखो, क्योंकि यूट्यूब को ये पता चल जाता है कि आपकी किस में रुचि है। आप ऐसा करके भी देखना, आप यूट्यूब पे जो सर्च करोगे कल परसों उसी से रिलेटेड आपको वीडियोस देखने को मिलेगी। आप चाहे फूड की वीडियो देखो या व्लॉग की देखो या डिफेंस की देखो या हेल्थ की देखो या न्यूज चैनल्स देखो, आपको उससे ही रिलेटेड वीडियोस मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम ही ऐसा है जो फीड में आपको ये वही दिखाता है। नेक्स्ट क्या, गोपनीयता और सुरक्षा, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। देखिए, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर गोपनीयता दैट मींस प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है, जिसके अंदर पासवर्ड आपके सेव रहे, आपके पर्सनल डिटेल्स किसी से शेयर ना हो, तो इन जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर ये दिया भी गया है। जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे आप चैटिंग कर सकते हो, ऑडियो वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, वीडियोस को शेयर कर सकते हो, एंड इंस्टाग्राम पे भी सेम यही चीजें कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत कुछ किया जा सकता है क्योंकि यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, मन पसंद की वीडियोज आप बना के शेयर कर सकते हो, एंड वीडियोज देख सकते हो, प्रॉब्लम्स को भी साझा कर सकते हो, प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, एजुकेशनल वीडियोज देख सकते हो, तभी आप आज ये वीडियोज देख पा रहे हो। आज एजुकेशनल वीडियोज का हब बन चुका है यूट्यूब, कई लोगों की ये हेल्प कर रहा है और ये करता भी रहेगा, क्योंकि यूट्यूब पे अब कई ऐसे अच्छे अच्छे टीचर्स आ गए जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और घर बैठे स्टूडेंट्स उनसे पढ़ भी पा रहे हैं। ऐसी व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे ज्यादा प्राइवेसी रहती है एज कम्पेयर टू फेसबुक और इंस्टाग्राम, क्योंकि व्हाट्सएप आपके जस्ट नंबर से बनता है, जिसके पास नंबर होगा वही आपको मैसेज कर सकता है। नेक्स्ट है ट्विटर। ट्विटर एक प्रोफेशनल माना जाता है, ऑफिशियल लोग यहाँ पे रहते हैं, जैसे देश के पॉलिटिशियंस हो गए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जितने भी दुनिया के पॉलिटिशियंस है या कोई बिजनेसमैन है, ज्यादातर वो ट्विटर, जिसको अब एक्स कहा जाता है, तो इस प्लेटफॉर्म पे ही इन सब चीजों को शेयर किया जाता है जो कि ऑफिशियल पर्पस से यूज किया जाता है। तो ये सारे कंटेंट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट शॉर्ट नोट है हमारा, वो है पेड न्यूज। अब पेड न्यूज का क्या इंपॉर्टेंस है, अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए भारतीय प्रेस परिषद PCI यानी कि द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके द्वारा एक नियम निकाला गया कि किसी भी मीडिया हाउस या प्रिंट मीडिया हो जो न्यूज़पेपर बनाती है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो जैसे कि चैनल्स है आज तक, जी न्यूज, कई सारे जो चैनल्स वगैरह है, एबीपी न्यूज वगैरह, NDTV वगैरह, ये हो गए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इन दोनों मीडिया के लिए एक नियम निकाला गया कि ये कोई भी एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उसके लिए नगद या अन्य तरीके से भुगतान लेकर भी वो पेड न्यूज पब्लिश कर सकते हैं। बट पेड न्यूज पब्लिश करने की नौबत ही क्यों आई, इसके ऊपर भी हम जानेंगे। पहले हम समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, पेड न्यूज का मतलब होता है भुगतान के बदले समाचार छापना। आप मान लो कि आपको कोई न्यूज पब्लिश करवाना है आपको अपने काम की, तो आप इन न्यूज चैनल्स वालों को पैसे दो या आपका न्यूज छाप देंगे। लेकिन ऐसा क्यों करना पड़ा, आखिर पेड न्यूज का डेवलपमेंट क्यों हुआ। देखिए, होता क्या है कि एक मीडिया हाउस को चलाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है, लेकिन जैसे इंटरनेट का दौर आया तो जो टीवी चैनल्स वगैरह हैं इनका दौर घट गया। अब टीवी चैनल्स पे क्या हुआ, कोई इनको एडवर्टीजमेंट दे नहीं रहा था, क्योंकि एडवर्टीजमेंट अब यूट्यूबर्स को मिलने लग गया था। एडवर्टीजमेंट किसी चैनल को तभी मिलता है जब उसकी TRP बढ़ती है, ज्यादा व्यूअरशिप होती है, जिस चैनल को ज्यादा लोग देखेंगे उनको एडवर्टीजमेंट ज्यादा मिलेगा। लेकिन एडवर्टीजमेंट ना मिलने के कारण ही अब इन्होंने पेड न्यूज का कॉन्सेप्ट निकाला कि भाई देखो, हमारा न्यूज चैनल है, यहाँ तक हमारी पहचान है, इन लोगों तक हम आपकी न्यूज को पहुंचा सकते हैं, अगर आप चाहते हो तो हमें आप इतना रकम दो, हम आपके न्यूज को लोगों तक पहुंचा देंगे। और ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई मीडिया हाउस के बीच में, आर्थिक संकट, इससे निपटा जा सके, इसलिए पेड न्यूज का कॉन्सेप्ट लाया गया। और 2009 के आम चुनाव यानी जनरल इलेक्शन हुए थे, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन, उस इलेक्शन के अंदर पैसे देकर न्यूज छापे गए थे भरमार तरीके से। अब इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ते हैं। अब होता क्या है कि जो भी सूचना दी जा रही है आपको पैसे देकर छपवा तो लेगा, अब वो सच है भी या नहीं है। अब मीडिया चैनल्स क्या करते हैं, कुछ पैसों के चक्कर में वो न्यूज छाप भी देते हैं। अब ये सोचे समझे कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है, अगर वो सच नहीं हुआ भी तो लोगों के द्वारा गलत कदम उठाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लोकतंत्र पर प्रभाव यानी कि इंपैक्ट ऑन डेमोक्रेसी। देखिए, डेमोक्रेसी सच्चाई पे चलती है, झूठ फरेब पे नहीं। लेकिन जब कोई पेड न्यूज को इस तरीके से स्प्रेड करता है तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में बातें उठती है, इसलिए इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है ये। नेक्स्ट क्या, नैतिकता और पेशेवर मानकों का ह्रास यानी कि डिग्रेडेशन ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ये जो नैतिकता की बात करते हैं हम कि पेड न्यूज का अंदर वो नैतिकता कहां रह गया, क्योंकि मीडिया चैनल्स प्रॉफिट के लिए कुछ भी न्यूज छाप देंगे।
इसलिए यहाँ पे कोई एथिक्स नहीं रह गया, इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती है। तो पेड न्यूज का समाधान क्या है, अब सॉल्यूशन बताना है। देखिए, मीडिया हाउस का इस तरीके से रेगुलेशन होना चाहिए ताकि उस पर निगरानी रखी जा सके। अगर कोई पेड न्यूज भी छाप रहा है तो उस पर कंट्रोल किया जा सके कि वो पेड न्यूज कितना सही है और कितना गलत है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पैसे लेकर कुछ भी छाप दो ना ऑप्शन आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या, स्वतंत्र मीडिया यानी कि इंडिपेंडेंट मीडिया होनी चाहिए। मीडिया पे किसी का कंट्रोल ना हो और मीडिया खुद किसी की चापलूसी भी ना करे, और ये जरूरी है देश के फोर्थ पिलर के रूप में जिसको जाना जाता है, वो इंडिपेंडेंट रहे, तभी लोगों की आवाजों को उठाया जा सकता है और सरकार तक पहुंचाई जा सकती है। थर्ड पॉइंट क्या है, शिक्षा और जागरूकता यानी कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस भी स्प्रेड करके हम पेड न्यूज के खतरों से बच सकते हैं। अगर लोगों को पहले ही सब कुछ पता रहेगा, अवेयरनेस रहेगी, तो चाहे कितने भी फेक न्यूज को फैला लो, स्प्रेड कर लो, लोग जागरूक रहेंगे। नेक्स्ट क्या, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी कि निजी फंडिंग मॉडल को अपनाया जाना। अब क्या होता है कि न्यूज चैनल्स को फंडिंग इतनी मिल जाए कि वो अपना न्यूज चैनल चला सके, उनको ये नौबत ना आए कि वो पेड न्यूज चलाए और सरकार की चापलूसी करके सरकार से फंडिंग ले, कभी अपोजिशन से फंडिंग ले, कहीं वो एंटी कंट्री से कभी फंडिंग ना ले ले। कई बार ऐसी घटनाएं आती है जब वो प्रोपेगेंडा चलाने लग जाते हैं। तो कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है कि जो पेड न्यूज है ये गंभीर समस्या है जिससे छुटकारा पाना जरूरी है, और ये हमारे लिए एक चैलेंज भी है क्योंकि ये लोकतंत्र को कमजोर करता है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सही से न्यूज पहुंचे और कहीं पे भी कोई ऐसी न्यूज ना हो जो हमारे देश की इंटीग्रिटी के लिए खतरा पैदा करे। इसलिए पैसे देकर कुछ भी छापने से अच्छा है वही छापी जाए या लोगों तक वही पहुंचाई जाए जो लोगों के लिए सही है, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए ये चीज जरूरी हो जाता है। तो यहाँ तक जितने भी हमारे क्वेश्चन थे वो खत्म हो जाते हैं। मैंने आपको जो स्टार्टिंग वीडियो बताई थी जो मैंने लास्ट ईयर बनाई है, इस वाले वीडियो को भी जरूर देख लेना आप, ताकि जो मैंने इस वाले वीडियो कवर कर दिया ये भी आपका कवर हो जाएगा, बाकी इस वाले वीडियो में आपका पूरा सिलेबस कवर हो गया है। आई होप आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए विद आंसर के साथ ये समझ में आ गए होंगे। इन सभी क्वेश्चन को आंसर के साथ मैंने अपने नोट्स पे दिया हुआ है, आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपको जो भी नोट्स चाहिए आपको सिंपल इसमें क्लिक करना है, वाइन ऑफ पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेना है। इस नोट्स के अंदर 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको समझाया है, सेम वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और इससे बाहर कुछ नहीं। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद नोट्स को जरूर रीड कर लेना, इससे बाहर और कुछ नहीं आने वाला और ना ही आपको कुछ और पढ़ना है। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लेना। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि मेरा मोटिवेशन ऐसा ही बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी मेहनत करता रहूं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।